सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को तो वीट करता हो मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी अभी तक एक बार कंफर्म कर देंगे और आज हम लोग का अगला टॉपिक है दैट इज़ हम लोगों ने मगध पढ़ा था पिछले जो, जो हमारा लेक्चर हुआ था महाजनपद और मगध। मगधलाइट right? तो उसी के आगे हमें आज प्रोसीड करना है और उसके आगे हम लोग देखने वाले मॉरन एम्पायर एक बार कन्फर्म करिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं चलिए गुड इवनिंग आ, पंपा मॉडल हाँ मोए मोए हो गया आज चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर गुड इवनिंग वैशाली पल्लवी चांद शेखर ऑल क्लियर ओके तो फिर स्टार्ट करते हैं तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि महाजनपद देखे थे कितने महाजनपद से टोटल सोलह महाजनपद से और वो सोलह महाजनपद में जो सबसे इंपॉर्टेंट था दैट वॉज लोकेटेड साउथ ऑफ गंगा रिवर एंड दैट वॉज मगध हमने मगध में डिफरेंट डायनेस्टीज देखी सबसे पहले हमने हमने देखा हरियका डायनेस्टी ठीक है हरेंका डायनेस्टी में के फाउंडर कौन था जल्दी से बताइए हु वॉज दी फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी जल्दी से तो हरंका डायनेस्टी हमने तीन रूलर्स देखे थे वो तीन रूलर कौन थे सबसे पहले तो हमारे एक बिम भी सारा है एक सेकेंड रुकेगा थोड़ा ठीक ठीक है? है, तो सबसे पे... सबसे पहले सा रहा है। देन हमने देखा इनके बेटे आजाद शत्रु और क्यों इनका नाम आजाद शत्रु पड़ा, वो भी हमने देखा, And then, इनके बेटे उड़ाइन की सबसे एक important चीज़ क्या थी बस इनका एक ही हम ने चीज़ था एंड दैट वॉज कैपिटल फ्रॉम राजगीटलिपुत्र फिर हमने देखा था शिशु नगा आए थेगा और इनका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था शिशु नगर का कि इन्होंने अवंती को डिफ़ीट किया था सौ साल बाद अवंती पे कब्जा पाया था मगध ने ठीक है इसके बाद काला शोका है एंड देन उसके बाद आती है नंदा डानेस्टी ये नंदा डाइनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ नंदा डानेस्टी से ही हम लोग मॉडर्न एम्पायर स्टार्ट करेंगे वैसे तो नंदा डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बताया था इसके फाउंडर कौन है महापद्मानंद और इसके लास्ट लो थे धनानंद लेकिन इसके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे ठीक है तो सबसे पहले देख लेते हैं सोर्सेस क्या हैं जो हम लोग मॉडर्न के बारे में जो भी हमें पता चलता है उसके क्या क्या है कहां से हमें पता चलता है जो भी हमें पता चलता है तो सबसे जो पहला प्राइमरी सोर्स है सबसे वो जो बड़ा सोर्स है वो है कौटिल्य की अर्थशास्त्र कौटिल्या अर्थशास्त्र ये किताब लिखी है कौटिल्य ने कौटिल्य कौन थे अभी आप जानेंगे कि मौर्य एम्पायर में आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पोजिशन पे थे प्राइम मिनिस्टर थे एक तरह से कौटिल्या ठीक है और इन्हीं की वजह से इनका बहुत बड़ा रोल था चंद्रगुप्त मौर्य को थ्रोन पे बैठाने के लिए या फिर मॉडर्न डायनेस्टी को सेटअप करने के लिए और उसके पीछे भी एक कहानी है और वो कहानी हमें पता चलती है विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से ठीक है विशाख दत्ता मुद्रा राक्षस अब आपने बहुत सारे हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने खासकर लड़कियों ने मुद्र राक्षस सीरियल्स देखे होंगे है ना चंद्रगुप्त मौर्य के फिर छोटे में आपने देखे होंगे पक्का है ना चंद्रगुप्त मौर्य पे तो चंद्रगुप्त मौर्य पे बहुत सारे सीरियल्स इसलिए बनते हैं पहली बात तो ये है कि जो मॉरेन एम्पायर है या फिर पूरे मॉरेन एम्पायर पे इसलिए बनते हैं बिकॉज मॉरेन एम्पायर सबसे जो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा एम्पायर था जिसने कि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया को पे एक तरह से सेंट्रलाइज कर दिया था यानी कि पूरे इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर रूल था बस थोड़ा सा पार्ट अगर हम छोड़ दें साउथ इंडिया का तो ऑलमोस्ट पूरा जो अभी प्रेजेंट है इंडिया है प्लस स्टिल पार्ट्स ऑफ अफ अफगानिस्तान तक मॉरन एम्पायर का रूल था इसलिए बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पढ़ना और साथ ही साथ जितने भी हम स्टोरीज पढ़ते हैं वो विशाख दत्त ने अब विशाख दत्त ऐसा नहीं कि कोई मॉरन एम्पायर में जिस तरह भी हमने देखा कि कौटिल्य मॉरन एम्पायर में ही थे तो उन्होंने चीज़ों को सारी चीज़ें जो उन्होंने ऑब्जर्व की वो लिखी इसलिए मैंने बोला कि ये प्राइमरी सोर्स है या फिर एकदम अगर हमें किसी सोर्स को सही मानना होता है कि ये मॉरन <coughs> एम्पायर में था कि नहीं था तो हम इसको रेफर करते हैं जैसे कि एक आए हमारे मगस्थनीज़ उन्होंने किताब लिखी इंडिका ठीक है मगस्थनीज ने किताब लिखी इंडिका अब ये इंडिका पहली बात तो जो उन्होंने किताब लिखी थी वो हमारे पास एग्जैक्ट वैसे फॉर्म में नहीं है ये किताब ये गुम हो गई अब जैसे अर्थशास्त्र भी ऐसा नहीं कि जो कौटिल्य लिख गए थे उस अर्थ वो अर्थशास्त्र हमारे पास है नहीं ये मतलब ब्रिटिशर्स को एक ब्राह्मण के घर लगी थी ये हाथ लगी थी अर्थशास्त्र तो वहां से पता चलता है तो काफी लेट लिखी गई थी बट फिर भी इसको बहुत हद तक क्योंकि हमारे पास है कुछ एविडेंसेस ठीक है बट और ये अगर बात करें जो मुद्र राक्षस लिखी गई मुद्र राक्षस ठीक है ये लिखी गई थी गुप्ता एम्पायर के टाइम पे गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखी गई थी गुप्ता टाइम पीरियड के समय ये विशाख एक लिट्रे uh, थे हम बोल सकते हैं स्कॉलर थे संस्कृत स्कॉलर और अगर मेगस्थनीस की बात करें वो भी हम देखेंगे एक ट्रैवलर था जो इंडिया आया था और उसने किताब लिखी थी इंडिका ये इंडिका किताब किसी के पास नहीं है ग्रीक में बिकॉज ये एक ग्रीक था ठीक है ग्रीस से आया था तो जो हमारे हमें ग्रीक लिटरेचर मिलते हैं वहाँ पे वो जिक्र होता है मेगस्थनीस के इंडिका के कि, कि किस तरह मेगस्थनीज़ की इंडिका में हमें ये पता चलता है हमें ये पता चलता है तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन कंट्रास्ट होंगी जो मैगस्थनीज ने इंडिका में लिखी हैं और जो हमें कौटल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है बट वी विल विल बिलीव ऑन दी कौटल्य के अर्थशास्त्र में बिकॉज कौटल्य उस एम्पायर में रह रहे थे ठीक है और वो उनसे ज़्यादा और कौन क्लोजली चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है ठीक है तो ये हमारे प्रमुख सोर्सेज हैं कुछ और हमारे हैं जैसे कि बुद्धिस्ट लिटरेचर बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी मॉडर्न एम्पायर का जिक्र है वो अभी आप जानेंगे क्यों है बुद्धिस्ट लिटरेचर में क्योंकि पहली बात तो ठीक है थोड़ा उसी टाइम पीरियड का वो चल रहा था और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि जो मॉरन एम्पायर के एक रूलर थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर जिनका नाम आप सभी लोग जानते हैं अशोक वो अशोक बुद्धिज्म धर्म को अपना लिए थे इसलिए जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है अशोक के बारे में मैंशन करता है प्लस वो पूरे मॉरन एम्पायर के बारे में मैंशन करता है तो जो हमारी जातक टेल्स हैं अब जातक टेल्स क्या जरा जल्दी से कॉमेंट बताइए प्लस जो हमारे कुछ लिटरेचर हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर जिनको हम दीप दीपवंश और महावंश के नाम से जानते हैं दीपवंश और महावंश ठीक है और दिव्य दान ठीक है दिव्य दान ये सारे हमारे कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के सोर्सेज जहाँ से हमें कुछ ना कुछ मॉडर्न एम्पायर के बारे में पता चलता है क्योंकि ये मैंने आपको चीज़ बताई थी कि, कि किसी भी चीज़ में अगर हमें बिलीव करना है तो मल्टीपल लिटरेरी सोर्सेज में हमें वो चीज़ को देखना होता है कि इसमें मैंशनड है अच्छा क्या बाकी लिटरेचर में भी सेम चीज़ मैंशनड है अगर है तो ही हम उसको थोड़ा बहुत सच मानते हैं नहीं तो अगर बाकी किसी लिटरेचर में मेंशन नहीं है कोई हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी नहीं है देन हम उस चीज़ को सही नहीं मानते हैं नाउ कमिंग ऑन टू दी ओरिजिन ऑफ मौर्य यानी कि ये कहा क्या माना जाता है कि जो मौर्य हैं इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ तो इसमें भी इसको लेके भी कोई क्लियर कट हमारे पास एविडेंसेज नहीं है अगर हम बिलीव करें ये जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है तो इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग जो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है इसके अकॉर्डिंग जो चंद्रगुप्त मौर्य है थीके? जो चंद्रगुप्त मौर्य है जो कि इस डायनेस्टी का फाउंडर है वो नंद वंश का जो लास्ट उला था धनानंद उसके धनानंद के उसके ही कोर्ट में एक शूद्र क्लान की एक फीमेल थी जिसके साथ उसके इलिगल रिलेशनशिप से और उस रिलेशनशिप से चंद्रगुप्त मौर्य एक इलिगल चाइल्ड थे ऐसा उसमें मेंशन किया गया है अगर मैं बात करूं मुद्र विशाखदत्त की बुद्धिस्ट लिटरेचर में अगर बात करें तो इनको ऊपर वाली क्लैन का दिखाया गया मतलब कि ऊपर ऊपर इन जो उस समय हुआ करती थी जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय क्लैन का दिखाया गया लेकिन हम इसको सही नहीं मानते हैं रीजन बीइंग क्योंकि ये अशोका को पैटर्नाइज करना चाहते हैं अशोका क्योंकि बुद्धिस्ट फॉलो किया था तो अशोका को वो नहीं दिखाना चाहते लोअर क्लैन से ठीक है और अगर हम बाकी और वो और ये मौर्याज नाम कैसे पड़ा तो वो जो आ, उस फीमेल का नाम था उस फीमेल का नाम था मोरी तो वहां से मौर्याज नाम आया बट जो मेगास्थिनिज की इंडिका है वो भी बताती है कि ये लोअर क्लांस से बिलोंग करते थे कौन जो मौर्य डायनेस्टी या फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो ये लोअर क्लान से आते हैं तो ये हम मानते हैं या तो ये तो शूद्र थे या तो ये वैश्शास्त्र है ठीक है ना तो क्षत्रिय थे ना तो ये ब्राह्मण थे लेकिन इस चीज़ को लेके आई थिंक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा क्वेश्चन थोड़ा बहुत अगर बन भी सकता है तो यही बनेगा जो मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई ठीक है तो जो पुराण भी है हमारे जो पुराणस हैं वो भी इनको शूद्र ही बताते हैं ठीक है मुद्र राक्षस की अगर बात करें ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूँ मुद्र राक्षस वैसे ये आप पे डिपेंड करता है आप लिखना चाहते हैं फिर नहीं क्योंकि चीज़ें तो जिस हिसाब से मैंने बता दी उस हिसाब से तो आपके दिमाग में वो सेटल आउट हो जाएंगी बट एम सी क्यू भी बहुत ज्यादा चांसेस नहीं पूछे जाने के ठीक है तो विशाल या फिर कुलहीन मतलब कुलहीन मतलब लोअर क्लानस है ठीक है और एक जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है जिसको कि रुद्र दमन ने अब रॉक इंस्क्रिप्शन क्या होता है वो भी आज हम देखेंगे रॉक इंस्क्रिप्शन मतलब चट्टान पे कुछ शिला लेख लिखवा देना उसको हम बोलते हैं रॉक इंस्क्रिप्शन तो जूनागढ़ एक जो कि गुजरात में पड़ता है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन उसमें भी इनको वैश्य बताया गया है ठीक है तो इसलिए हम बिलीव करते हैं कि ये लोअर क्लैन से ही है इज दैट क्लियर यहां तक सभी को और उस टाइम भी बीजेपी जीती थी अच्छे हाँ चैट्स बिल्कुल सभी का सही आंसर है चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं और मॉडर्न रूलर्स को समझते हैं तो अभी मैंने बताया वो पता नहीं कितना ट्रू है क्योंकि अगर हम बात करें जो विशाख दत्त के मुद्र राक्षस है मतलब इस पर हंड्रेड परसेंट नहीं बिलीव कर सकते हैं कि बट इसमें क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ही झूठ है क्योंकि इसमें कुछ काल्पनिक चीजें भी ऐड हैं तभी जो भी सीरियल्स या फिर मूवीज वगैरह बनती हैं वो इसी यही सोर्स रहता है उनका सबका ठीक है प्राइमरी सोर्स यही रहता है सारा झूठ भी नहीं और 100 परसेंट सच भी नहीं है खैर जो भी सच झूठ सा मैंने आपको बता दिया है 100 परसेंट ट्रुथ तो कोई नहीं बोल सकता है बट हमें यह पता है कि हां जो नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था ठीक है या फिर नंद डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था धनानंद धनानंद धना इसको हराया था किसने चंद्र गुप्त मौर्य ने जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया विद दी हेल्प ऑफ विद दी हेल्प ऑफ कौटिल्य इनको हम विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और चाणक्य के नाम से क्यों जानते हैं और इसके पीछे भी एक स्टोरी है जो कि मुद्र राक्षस में मैंशन है जिसमें कि थोड़ा सा बिलीव करते हैं लोग एंड दैट इज कि किस तरह से ये बात तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो धनानंदा था वो इनकैपेबल रूलर था और जनरली यही होता है जो लास्ट रूलर होता है वो इनकैपेबल हो ही होता है तभी वो डेनेस्टी मतलब वहाँ से समेटती है मतलब खत्म होती है तो धनानंदा क्या था थोड़ा अभी जो मैंने आपको पीछे भी स्टोरी बताई वो मोरी वाली है ना उससे भी आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा धनानंदा हमारे किस टाइप के इंसान है और ये चीज़ जो है कॉटिल लिखे फिर चाणक्य के फादर थे चनक चाणक्य के फादर थे चनक वो इनके कोर्ट में थे ठीक है और वो नहीं चाहते थे कि धनानंदा धनानंदा होगा यहाँ पे ठीक है धनानंदा यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो स्पेलिंग सही कर लेंगे ठीक है तो वो नहीं चाहते थे कि धनानंदा धनानंदा नंदा ठीक है तो ये मतलब बंदा इस पर्टिकुलर मगध को रूल करे मगध के उस समय कैपिटल क्या होती थी पाटलिपुत्र होती थी तो उनका यह था कि इसका जो छोटा भाई है वो गद्दी पे आ जाए और इसको ये चीज़ सही नहीं लगी तो चाणक को मरवा डाला किसने धनानंदा ने अब ऑब्वियस ये बात उनका जो बेटा चाणक है वो इस चीज़ का बदला लेगा दैट इज कॉटिल्ड दैट इज वैष्णुगुप्त और बदला इन्होंने काफी काफी बढ़िया तरीके से लिया मतलब काफी सारी चीजें प्लान और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लिया तो ये चाणक्य क्या थे ये विश्व कन्याएं विश्व कन्या जो होती हैं इनको अपने उसमें रखते थे मतलब जो अनाथ लड़कियाँ हुई तो उनको क्या करते थे ये बचपन से ही वेरी लिमिटेड डोजेज ऑफ पॉइजन देते थे वेरी लिमिटेड इतना लिमिटेड देते थे जिससे उनको आदत पड़ जाती थी उस चीज़ की और उनके सलाइवा तक में और लिप्स में वो पॉइजन हमेशा रहता था ठीक है तो उस उनको वो अडेप्टेबल कर देते थे पॉइजन से और उनको बोलते थे विश करना और उनका यूज करते थे एनिमीज के शत्रुओं के खिलाफ तो एक तरह से ये विमेन आर्मी को बिल्ड कर रखे थे इस तरह से और उसका यूज किया इन्होंने आगे कैसे यूज किया तो सबसे पहली बात तो विश करने और आगे भी आएंगी तो इन्होंने क्या किया जो धनानंदा था ठीक है धनानंदा जैसा अभी मैंने बताया कि कहीं कहीं पे लिखा हुआ कि इन्होंने चाणक्य की बेजती कर दी है जो चाणक्य है बट जो मुझे राक्षस बताती है स्टोरी दैट इज़ कि जो चनक है जो उनके फादर हैं वो इनके कोर्ट में थे और उनकी हत्या करवा दी थी तो इन्होंने बदला लेने का सोचा चनक के ने और फिर इन्होंने बदला कुछ इस तरह से लिया कि नागा साधु के भेस में आए इनके कोर्ट में धनानंदा ने उनकी बेजती कर दी ठीक है इनकी भी बेजती करी थी जब बेजती इन्होंने कर दी तो इन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी जो जनता है पाटलिपुत्र में जो कि उस समय कैपिटल थी उसमें से मतलब तुम लोग का बहुत जनता की मृत्यु हो जाएगी ऐसा इन्होंने बोला ठीक है ऐसा इन्होंने बोला कि काफ़ी लोगों की आपकी मृत्यु हो जाएगी और इन्होंने क्या किया पाटलिपुत्र में एक लेख हुआ करता था एक तालाब था उसमें इन्होंने जहर वगैरह मिला दिया ठीक है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मृत्यु होना चालू हो गई तो लोगों को लगा कि ये वो नागा साधु जो बाबा थे उन्हीं के कहने पर यह हुआ है तो फिर मतलब ये वो जो नागा साधु बन के गए थे फिर उन्होंने फिर फिर से नागा साधु के वेश में गए वहाँ पे और उन्होंने बोला कि ये चीज़ जो है मैं ख़त्म कर सकता हूँ सिर्फ एक शर्त पे और वो ये है कि धनानंदा डिथ्रोन हो जाए यानी कि वो वनप्रस्त हो जाए यानी यहाँ से चला जाए और वन में चला जाए ठीक है अब धनानंदा को माननी पड़ी बात क्यों क्योंकि भाई लोग मर रहे थे तो वो जो है इसको डिथ्रोन कर दिया और ये माना जाता है कि जब ये फॉरेस्ट की ओर जा रहा था तो इसको काम तमाम करवा दिया विश कन्याओं का यूज़ करके ठीक है और विश कन्याओं का कैसे यूज़ किया जाता होगा आप समझ पा रहे होंगे है ना तो आगे भी हम लोग इसको देखेंगे और फिर यहाँ वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य को ये थ्रोन पे बैठा देते हैं कौन चाणक्य ठीक है बिकॉज वो चाहते हैं कि पूरा आर एवर्थ में रूल हो एक डेनेस्टी का तो एक मेन रूल तो मतलब मेन रोल कैसे था अचानक क्या वो आई आई होप आप समझ गए होगे अब आते हैं थोड़ा सा चंद्रगुप्त मौर्य के रिगार्डिंग जो कुछ चीज़ें हैं वो वहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ आपको ठीक है जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से था ये तो था थोड़ा, थोड़ा समझने के पर्सपेक्टिव से बट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो क्या पूछेगा वो आपको बताना चाहिए तो चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले बात तो ये फाउंडर है ठीक है फाउंडर है किसको हराया था इन्होंने ही डिफीटेड धनानंदा ठीक है तो इन्होंने धनानंदा जो कि नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था उसको हराया था पहली चीज दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि ही ऑल्सो डिफीटेड सेलिकस निकेटर जो कि एक आ, मतलब जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे उनके एक कमांडर थे ये सेलिकस निकेटर ठीक है इनको हराया था निकेटर ये कहां पर रूल कर रहे थे नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर इंडिया का यहां पर रूल कर रहे थे सेलिकस निकेटर जो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य गए थे यहाँ पे अपनी पूरी फोर्सेस लेके और उन फोर्सेस को लेके यहाँ पे गए थे विजय भी प्राप्त कर ली थी लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ था पाटलिपुत्र में या फिर जो मगध है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमाइन हो गया था तो इन्होंने जैन धर्म अपना लिया फिर साउथ इंडिया चले गए सल्ले खाना किया है ना किसके साथ भद्रभाहू के साथ वो सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं तो वो यही है इन्हीं को हराने गए थे वहाँ पर सेलिकस निकेटर को और जो अभी मैंने आपको मैगस्थनीस बताया जिसने इंडिका लिखी किताब वो सेलिकस निकेटर का ही दरबार में था दरबार ही था जिसको कि सेलिकस निकेटर में भेजा था तो सेलिकस निकेटर ने क्या किया ये पूरी टेरिटरी जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी इन रिटर्न ऑफ पाँच हाथी फाइव एलिफेंट्स के रिटर्न में पूरी टेरेटरी दे दी क्लियर क्लियर और ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त की जो बेटी थी उससे भी जिसका नाम हैलिना था उससे विवाह भी किया चंद्रगुप्त मौर्य ने ठीक है ये भी माना जाता है बट इसके 100% परसेंट रिलेवेंट सोर्सेज नहीं है तो ये मैंने आपको बता दिया है अगर पूछ लिया जाता है तो आपको बताओ कि हलेना किसकी लड़की थी सेलिकस निकेटर जिससे कि विवाह किया चंद्रगुप्त मौर्य ने और वो भी अचानक ने एडवाइस किया था इनको ताकि वो टेरिटरी पे है जो है मतलब पूरा कब्जा रहे और कभी भी सेलिकस निकेटर दोबारा इस टेरिटरी को लेने की ना सोचे तो इसलिए ये चीज़ की गई थी ठीक है और बाकी तो बस ये दो अभी के लिए चीज़ें याद करनी है बाकी जब हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे तब उस पर आएंगे फिर चंद्रगुप्त के बेटे थे उनका नाम था बिंदुसार जो कि बिंबिसार से अलग है ध्यान रखना ठीक है बिंदुसार इनका नाम है बिंबिसार हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर थे ठीक है जो कि पहली डायनेस्टी थी मगध में बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे अब इनका भी एक अलग सा स्टोरी है बिंदुसार का भी ये माना जाता है कि जो भी मैं मैंने आपको विश कन्याओं के बारे में बताया था ठीक है तो विश कन्या कर, वो करते थे मतलब विश कन्याओं का यूज उस समय कौटल्य बहुत यूज करते थे और ना सिर्फ यूज़ करते थे बल्कि और भी लोग यूज करते थे बट मेनली मेनलीटल्य का ही था तो इनका ये मतलब थोड़ा सा मानना था कौटल्य का कि जैसे हम विश कन्या यूज करते हैं दूसरे खिलाफ कि मतलब कुछ रूलस होते हैं ना कि मतलब है ना रहा नहीं जाता है तो विश कन्या भेजी ठीक है समझ रहे हैं काम तमाम हो गया ठीक है जैसे ही थोड़ा सा मतलब किस वगैरह हुआ तो ये क्या होता है मतलब वो जो पॉइज़न होता है वो चला जाता है अब ये तो विश करना है तो अडेप्टेड है उस चीज़ से लेकिन ये अडेप्टेड नहीं है तो ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कोई को इस तरह से वो ना कर ले ठीक है क्योंकि उनको भी लगता ये पता था कि चंद्रगुप्त मौर्य अभी यूथ हैं ठीक है थीके? तो बहकावे में आ सकते हैं तो इसलिए ऐसे बहकावे में ना आए इसलिए वो क्या करते थे चंद्रगुप्त मौर्य को भी हल्का हल्का पॉइजन का डोज देते थे खाने में तो एक दिन क्या हुआ चंद्रगुप्त मौर्य की अभी शादी हो चुकी थी ठीक है तो ये खाना लेके बैठे इनकी वाइफ थी ठीक है थीके? ये स्टोरी मतलब ये सब इसमें लिखी हुई है ऐसा नहीं कि मैं अपने आप से बना के बता रहा हूं ठीक है तो ये मतलब कहां से बिंदुसार नाम पड़ा उसके पीछे का ये लॉजिक दिया गया यहां पे ठीक है तो थोड़ा लेक्चर भी इंटरेस्टिंग रहा इस वजह से मैं ये स्टोरी बता रहा हूं बाकी स्टोरी का एग्जाम से ज्यादा कुछ मतलब इस तरह से स्टोरी नहीं पूछेगा आपसे ठीक है तो ये मतलब मानना था कि इन्होंने अब जो निवाला लिया वो पहले अपने वाइफ को खिलाया ठीक है अब इनको ये बात नहीं पता थी चंद्रगुप्त मौर्य को कि कौटिल्य उनके साथ ऐसा कर रहे हैं तो इनकी क्या हो हालत बिगड़ने लगी जब कौटिल्य को बुलाया गया तो इनको तो पता चल गया ये क्यों हो रहा है और ये प्रेग्नेंट थी ऐसा माना जाता है ठीक है और इनका वूम को काटा गया और वहाँ से मतलब बिंदु सार नाम पड़ा बिंदु ड्रॉप ठीक है सारा तो वहाँ से ये नाम पड़ा गया कि वूम को काट के इनको ऐसे निकाला गया तो बिंदु सार ठीक है तो बिंदु सार इनके बेटे थे बस हमें एग्जाम परस्पेक्टिव से ये पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग इज कि बाई द्रीक्स इज नोन एज अमित्रोक्रेट्स ठीक है अमित्रो अमित्रोकेट्स के नाम से जाना जाता है ग्रीक्स के द्वारा बिकॉज ग्रीक जो हमारे लिटरेचर है वहां पे अमित्रोकेट्स इनको मेंशन किया गया बिंदुसार को एंड ही पैटर्नाइज ही पैटर्नाइज अजीविकाज मतलब कि पैटर्नाइज आप समझ रहे हैं मैंने आपको पिछले पीछे भी लेक्चर बताया था और अजीव भी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरह से जो हमारे हीट्रोडॉक्स सेक्ट्स थेट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स थे ऑर्थोडॉक्स में तो हमने देखा था वो हमारे कन्नड़ योग और ये सब आए थे ठीक है उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा और जो हिट्रोडॉक्स है जो वैदिक टेक्स्ट में बिलीव नहीं करते थे जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म और अज, अजीविका ये सब आते थे तो उसमें से जो मखाली गोसल ने इसको फाउंड किया था तो अजीविका सेक्ट को उन्होंने पैटर्नाइज किया था बिंदुसार ने देन इनके बेटे आते हैं एंड दैट इज अशोक ठीक है अशोक द ग्रेट भी इनको हम बोलते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा पार्ट ऑफ इंडिया का टेरिटरी में रूल किया अशोक ने था क्या अब चंद्रगुप्त मौर्य ने तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था सेलिकस निकेटर ने नॉर्थ वेस्ट भी ले सेलिकस निकेटर से नॉर्थ वेस्ट भी ले लिया था याद आ रहा है आपको यहाँ पे मगध का रूल था धीरे धीरे बाकी के जैसे अंग को लिया बाकी फिर लिए ठीक है और फिर लास्ट में अवंती को भी कैप्चर किया अब नॉर्थ वेस्ट भी आ गया था यहाँ तक बस थोड़ा सा ये उड़ीसा वाला पार्ट बाकी था जिसको कि उस समय कलिंग बोला जाता था तो अशोक ने वो भी कमी पूरी कर दी इन्होंने कलिंग वॉर लड़ा इन्होंने टोटल 12 साल रूल किया ठीक है 12 इयर्स इन्होंने रूल किया और अपने नौवें साल में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा 261 सिक्सटी में 261 सौ पूर्व में ठीक है और इसको जीत भी लिया लेकिन यह माना जाता है कि अशोक अपनी अर्ली लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब हार्श बहुत ज़्यादा क्रूअल थ्री माना जाता है कि उन्होंने थ्रोन पे बैठे अपने निन्यानवे 99 ब्रदर्स को मारने के बाद थ्रोन पे बैठे कलिंग वॉर में जब बहुत सारी किलिंग्स हुई तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया तो इस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं कि जैसे अशोक अब मतलब नहीं अर्श से फर्श हो गए या फिर बहुत ही क्रूअल से बहुत ही काइंड हो गया ऐसा नहीं है देखिए ठीक है उसका रीजन ये है कि कलिंग को जीतने के बाद अब कुछ जीतने के लिए जी, कुछ ज़्यादा पहली बात तो बचा भी नहीं था हाँ ये माना जा सकता है कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब किलिंग्स वगैरह हुई बहुत सारे जो प्रीस्ट हैं वो भी मारे गए तो वो एक इम्पैक्ट क्रिएट किया अशोक में और दूसरा भी कारण था कि अब कुछ बचा नहीं था अब ये था कि इस पूरी टेरिटरी को इस पूरी टेरिटरी को कंसोलीडेट करके रखना है सबको खुश करके रखना है पूरी जनता खुश करके रखना है इसलिए इन्होंने किया क्या बुद्धिज्म धर्म को अडॉप्ट कर लिया इन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अडॉप्ट कर लिया और अब इनका यह मानना था कि हम फिजिकल कॉन्केस्ट नहीं करेंगे यानी कि तलवार वलवार लेके नहीं जाएंगे लोगों के दिल जीतेंगे लोगों के दिल जीतना आवश्यक भी था अब कुछ फिजिकल कॉन्केस्ट के लिए बचा भी नहीं था तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब वो अशोक बिल्कुल ही अब खुद ही सोचिए अगर बिल्कुल ही वैसे होते तो कलिंग को जीतने के बाद देना देते कि चलो कोई नहीं हमारा अर्दयप कलिंग के जीतने के बाद वो रख लिए कलिंग को ठीक है मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत किया उन्होंने कुछ बिल्कुल सही किया उन्होंने क्योंकि एक रूलर होना चाहिए जो कि पूरे इंडिया को कंसोलिडेट करके रखे वो उन्होंने अच्छा काम किया ठीक है लेकिन मतलब ऐसा नहीं कि वो एकदम ही कुछ प्रीस्ट बन गए साधु संत बन गए और भजन गाने लगे ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तो इन्होंने बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया और ही रिप्लेस्ड इसको हम बोलते हैं इस चीज़ को कि ही रिप्लेस्ड बेरी घोष ठीक है ही रिप्लेस्ड बेरी घोष विद धम्म घोष बेरी बेरी घोष विद धम्म घोष अब ये बेरी घोष और धम्म घोष क्या है तो बेरी घोष है कॉन्केस्ट बाई फिजिकल मीन यानी बोल सकते हैं फिजिकल कॉन्केस्ट यानी कि तलवार अलवार लेके जीतना और ये होता है आपका कल्चरल कॉन्केस्ट मतलब कि दिलों से जीतना कल्चर से जीतना ठीक अब ये धम्म क्या होता है तो अशोक ने अपना जो एक तरह से धम्म का कॉन्सेप्ट है ये दिया इन्होंने खुद के रॉक एडिक्ट्स में जिनको हम एडिक्ट अशोकन एडिक्ट्स बोलते हैं अब ये जो अशोकन हैं एडिक्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में इनका मतलब होता है अभिलेख अभिलेख मतलब कुछ लिखवाया गया हो अब पेन कॉपी नहीं होती थी उस समय में ठीक है उस समय पेन कॉपी नहीं होती थी उस समय चट्टान और खंभे होते थे तो उनमें लिखवाया जाता था तो ये जो एडिक्ट्स हैं एडिक्ट दो जगहों में मिलते हैं एक तो रॉक्स में यानी कि चट्टानों में जिनको कि हम शिलाएं भी बोलते हैं शिलाएं अभिलेख हैं और दूसरे हमें मिलते हैं पिलर्स में खंभों में क्लियर एक तो रॉक्स में और दूसरे पिलर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉक्स वाले हैं। और रॉक्स को भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं एक तो मेजर रॉक एडिक्ट मुख्य और दूसरे माइनर लघु अब इनको मेजर और माइनर हमने किस बेसिस पे बोला है पहली बात तो मेजर हमारे चौदह रॉक एडिक्ट और माइनर लगभग पंद्रह हैं ठीक है ये नहीं पूछेगा माइनर कितने हैं लेकिन हाँ मेजर जरूर पूछेगा क्योंकि ये फिक्स हैं कि चौदह हैं अब ये चौदह हैं दैट डजन मीन या फिर ये पंद्रह दैट डजन मीन कि चौदह चट्टाने हैं अब पहली बात तो ये आप समझ गए होंगे कि जब मैं अशोकन एडिक्ट बोल रहा हूँ मतलब क्या है कि कुछ लिखा हुआ है रॉक एडिक्ट मतलब चट्टानों में कुछ लिखा हुआ है ये देखिए पिक्चर या पिक्चर देख पा रहे हैं बड़ी सी चट्टान है इसमें कुछ लिखा हुआ है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उस समय की लैंग्वेज थी प्राकृत उसमें लिखा हुआ है ये ठीक तो ये उसको बोलते हैं शिलालेख तो ये लोग इसी में चट्टानों में लिखते थे और जो पिलर में लिखते थे उसको हम पिलर एडिक्ट बोलते हैं क्लियर है यहां तक और ये जो चौदह मेजर रॉक एडिक्ट हैं इसका मतलब ये है कि चौदह लाइनें लिखी हुई हैं उसमें क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि चौदह चट्टाने हैं चौदह चौदह हमें चट्टाने मिली ये पहली चट्टान है ये दूसरा ये रॉक अशोका का दूसरा रॉक एडिक्ट है तीसरा ना चौदह का मतलब है चौदह लाइन लिखी हुई हैं ठीक है और उन चौदह लाइन को सबसे पहले या जो जिसने डिसाइफर किया जिसने पढ़ा वॉज जेम्स प्रिंसेप तो हुज द फर्स्ट टू डिसाइफर डिसाइफर का मतलब है कि उनको पढ़ने वाला पहले हमें यही लगता था कि अशोक श्रीलंका का रूलर है जब जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा तब हमें पता चला ठीक है जेम्स प्रिंसेप ने इनको सबसे पहले डिसाइफर किया पता लगाया कि इनमें लिखा क्या हुआ है और ये हमें कहाँ कहाँ मिले ये यहाँ पर जो आप ये ब्लैक कलर का जो स्क्वायर देख रहे हैं ना जहाँ जहाँ पे वहाँ पे मिला जहाँ की धौली जोगड़ा सी अम्र... अमरावती नहीं अमरावती तो ट्रायंगल लगा हुआ है ना तो धौली जोगडा हीरागुडी सन्नाथी सोपरा गिरनार कांदाहार ठीक है देख रहे हैं कांधाहार कहाँ पर वहाँ पर नॉर्थ वेस्ट में शहबाज घड़ी ठीक है कलसी यहाँ यहाँ पे देखने को मिला तो एक चीज़ ऑब्जर्व करिए मगध का रूल तो मेनली यहाँ पे था पाटलिपुत्र कुछ यहाँ पे था उसके वहाँ पे कोई नहीं है वहाँ पे कोई मेजर रॉक एडिक्ट नहीं है यहां यहाँ पे है तो ये रॉक एडिक्ट मतलब क्यों लिखवाया था अशोक ने क्यों लिखवाया था अशोक ने इसलिए लिखवाया था कि बेटा देखो हम ये ये चीजें चाहते हैं तो कायदे से ये कर लो और नहीं तो फिर पहले जाओगे तो ये क्या है इसमें रॉक एडिक्ट में तो मेजर रॉक एडिक्ट में जैसे जो पहला वाला जो पहली लाइन है आई अगेन रिपीट ये जैसे ये लिखा हुआ है ना तो ये जैसे पहली लाइन तो पहला दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा चौथा चौथा ठीक ठीक है है ये पहला दूसरा, तीसरा, है। तो पहला लाइन चट्टान नहीं तो जो रॉक एडिक हमें देखने को मिला तो इन्होंने डिफरेंट जगहों में जो अभी हम लोगों ने डिफरेंट जगह देखी यहां पे इनको लगा रखा था मेन मेन लगा रखे थे चट्टानों में लिख रखा था क्यों लिख रखा था ताकि लोगों को ये पता चले कि राजा जी चाहते क्या हैं क्या चाहते हैं अपनी प्रजा से तो पहला वाला हमें बताता है कि राजा जी चाहते हैं कि प्रोहिबिट एनिमल स्लॉटर पहले तो एनिमल की हत्या नहीं करोगे बैन्स फेस्टिव गैदरिंग एंड किलिंग ऑफ एनिमल्स एनिमल की हत्या नहीं करोगे और ये फेस्टिव गैदरिंग नहीं कि कुछ हुआ और तुरंत जुड़ गए क्यों क्योंकि उनको पता था कि फेस्टिव अगर फेस्टिवल में लोग जुड़ेंगे आपस में तो चुगली करेंगे लोग करते ही क्या हैं जुड़ के मतलब जो इकट्ठा होते हैं क्या करते हैं जैसे आप ट्रेन में चले जाओ कौन जीतेगा इस बार मोदी जीतेंगे राहुल गांधी जी। बस इसी पर उनका डिबेट चल रहा है कुछ लेना देना नहीं है और ना उनके डिबेट से कुछ किसी को फर्क पड़ रहा है ना कुछ उ, कुछ उसका कंक्लूजन निकलने वाला हो सकता है आपस में लड़ जाएं और बस वही मूँगफली खाते हुए बती रहे हैं अपना लोकल ट्रेन में ठीक है तो वो जानते उनको ये चीज़ पता थी अशोक को कि अगर लोग गैदरिंग करेंगे तो उनके जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसके लिए खतरा है उनकी ऑटोनॉमी के लिए खतरा है ठीक है तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि अशोक कुमार ऐसा नहीं कि पूरा हृदय परिवर्तन हो गया अगर ऐसे होते हैं हो, मतलब प्रीस्ट साधु संत बन गए तो बोलते हैं कि जो इसका जो मना है वो करो ठीक है है कि नहीं दूसरे उन्होंने बोला कि मेडिकल केयर फॉर मैन एंड एनिमल्स मैं प्रोवाइड करूंगा सभी को मैन और एनिमल्स को तो इस वजह से एनिमल्स को मारने की जरूरत नहीं है और इन्होंने मैंशन किया चोला पांड्या सत्यपुरा चेरा इन किंगडम्स को भी ठीक है और एंटीओकस जो समय का ग्रीक किंग हुआ करता था तो उसको मारा है उसको मतलब मैंशन किया है इसमें ठीक है बाकी हमें याद करने की सब जरूरत नहीं कि किसमें क्या मैंशन है बस हमें पता होना चाहिए तो ये अशोक की धम्म पॉलिसी बताती है कि अशोक का, में धम्म का मतलब क्या अशोक का क्या अकॉर्डिंग कि एनिमल्स को मत मत मारो रिस्पेक्ट करो यहाँ पर अभी एक होगा कि रिस्पेक्ट करो आप सभी का अपने पेरेंट्स का ठीक है जनरॉस्टी टू ब्राह्मण्स दिखाओ मतलब ब्राह्मण्स और सभी मतलब टॉलरेंस दिखाओ अदर रिलीजन्स की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ देखिए सेवन्थ नंबर का ये रॉक अडिक्ट है कि दूसरे जो धर्म है उनके तरफ भी टॉलरेंस दिखाओ ऐसा नहीं कि मतलब अगर तुम बुद्ध धर्म जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि मैं बुद्धिस्ट हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं बाकी धर्म को नहीं मानता हूँ मैं बाकी सारे धर्म को भी मानता हूँ तो ये सारी चीज़ें उसमें मैंशन है एट्थ में अगर बात करूँ डिस्क्राइब्स अशोक अशोकाज फर्स्ट धम्म यात्रा टू बौद्ध और बोधि ट्री यानी कि जो उनकी पहली धम्म यात्रा है बौद्ध और बोधि ट्री में जब वो जाते हैं तो आठवें वाले में है ठीक है बट हमें याद कौन सा करना है सर तो पहला वाला थोड़ा देख लेना किसमें एनिमल स्लॉटर के रिगार्डिंग बोला है और फेस्टिव गैदरिंग को लेके बोला और जो लास्ट वाला है चौदवा चो, और ऐसा नहीं है कि ये चट्टान है और चौदह के एक एक साथ लिख गए ना हो सकता है उन्होंने पहला लिखवा दिया पहले दो लिखवा दिए हो फिर उनको चीज याद आई हो अब जैसे अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ रुको रुको हम्म हम्म <laughs> यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन फोटीनथ वाले में ही फोटीन वाले में ही जो आखिरी वाला है इसमें इन्होंने बोला था हुआ क्या था कि इन्होंने बोला कि फेस्टिव गैदरिंग नहीं होंगी यानी कि जब कोई फेस्टिवल होगा तो लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो लोग क्या करने लगे घर में इकट्ठा होने लगे तो उनको फिर से अगेन वही चीज़ लगी कि यार लोग घर में इकट्ठा होंगे अगेन फिर पॉलिटिकल डिस्कशन चलेंगे तो वो नहीं होने देंगे तो उन्होंने फिर क्या किया इसको भी बैन कर दिया तो ये किस में लिखा है फोर्टीथ में कब लिखा है कब उन्होंने चीज़ जब उनको ये पता चला कि फेस्टिवल गैदरिंग मतलब तो बैन कर दी लेकिन अब होम गैदरिंग होने लगी तो सारे एक साथ ही नहीं लिखे गए थे एक एक करके आगे आगे ऐसे करके लिखे गए ठीक है तो फोर्टीन हमें पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें इसमें सबसे पहले ये यहाँ पे एक चीज़ आप में देखेंगे पहले तो हम एक एक करके देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा ठीक है इंपॉर्टेंस ऑफ सेरेमनीज ऑफ धम्म कंडेम्स डिजार फॉर फेम एंड ग्लोरी धम्मा एज मेजर पॉलिसी टू फॉलो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है बिकॉज सब में धम्म धम्म के बारे में मैंशन कर रखा है रॉक एडिक्ट नंबर थर्टीन देखिए इट इज द लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द एडिक्ट इट टॉक्स अबाउट अशोकाज विक्ट्री और कलिंगा तो पहली बात तो थर् थर्टीन वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे इन्होंने कलिंग वॉर के बारे में मैंशन किया है एंड ही मेन्शंस इज रिमोट्स फॉर द हाफ मिलियन किल्ड और डिपोर्टेड ड्यूरिंग हिज कॉन्क्स्ट बाई धम्मा तो यहां पे लिखा हुआ है कि हाफ मिलियन किल्ड यानी कि 50 लाख मतलब सॉरी पांच लाख लोग मर गए ठीक है तो ये खैर मतलब नंबर पे बिलीव नहीं होता है मतलब जो लिटरेचर्स बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग कि ये जो फाइव लैक नंबर है ये एक्जैगरेट करके बताया गया है ठीक है मैंशंस अशोकास धम्म विक्ट्री ओवर ग्रीक किंग एंटीओकस ऑफ सीरिया टॉलमी ऑफ इजिप्ट मतलब यहाँ यहाँ जो उन्होंने विक्ट्रीज की थी वो मैंशन की गई हैं फोर्टीनथ वाला बस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ऑकेटिकट है हमारा ठीक है लास्ट वाला और इसी में जो आपकी होम गैदरिंग्स हैं वो मैंशनड है इसमें फेस्टिवल गैदरिंग और इसमें लास्ट वाले में होम गैदरिंग्स थर्टीन वाला एक किस लिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें कलिंग वॉर के बारे में मेन्शंड है ठीक है कलिंग वॉर के बारे में तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बाकी आपको याद करने की रटने की जरूरत नहीं कि किसमें क्या मैंशंट है ठीक है बाकी तो आपको ये थर्टीन वाला ईयर याद करना है और पहला ठीक तो मेजर रॉक एडिक्ट की अगर हम बात करें तो टोटल कितने हैं टोटल आपके फोर्टीन है क्लियर अब जो हमारे ये रॉक एडिक्ट किस लैंग्वेज में लिखे हैं ये भी कभी कभी पूछ लेता है किस भाषा में लिखी हुई है तो अगर इनकी भाषा की हम बात करें तो लैंग्वेज जो है इसमें तीन यूज हुई हैं लैंग्वेज तीन है और स्क्रिप्ट चार यूज हुई है अभी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का मतलब क्या है जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो मोस्टली जो लैंग्वेज यूज हुई है इनके इंस्क्रिप्शंस में वो प्राकृत लैंग्वेज हुई है और इसका जिक्र मैंने पहले भी किया जब मैंने आपको ये बताया था कि, कि किस तरह जो जैन्स और बुद्धिस्ट थे उन्होंने अपने लिटरेचर जैसे जो जैन्स उन्होंने अपनी लिटरेचर्स प्राकृत में लिखे ज्यादातर बुद्धिस्ट ने पाली में लिखे क्यों क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज थी लोग समझ सकते थे संस्कृत आज लोग नहीं समझ पा रहे तब भी उतना लोग नहीं समझ पाते थे तो इसलिए तो प्राकृत प्राकृत लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ दी मासेस थी और ये लोगों के लिए तो लिखवाए गए थे ताकि लोगों को समझ में आए कि, कि किंग चाहते क्या हैं ठीक है राजा जी चाहते क्या हैं और उन्होंने ये भी मेंशन करवाया इन इसमें कि लोगों को ये बताओ कि मतलब सब जो हैं किंग के सन्स हैं यानी कि जितनी पूरी प्रजा है वो मेरी यानी अशोक की क्या है बेटे हैं सब तो उन्होंने खुद को एज ए गॉड दिखाया वहाँ पे ठीक इसी है इसीलिए ताकि अपना मतलब अथॉरिटी को स्टैब्लिश कर सकें तो ये सारी चीजें लोगों के लिए लिखवाई हैं तो ऑब्वियस ये बात है कॉमन कॉमन लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा तो प्राकृत लैंग्वेज यूज हुई है और इसमें स्क्रिप्ट यूज हुई हैं दो ब्राह्मी मोस्टली यूज हुई है ब्राह्मी और जो नॉर्थ वेस्ट हमारा फ्रंटियर है यानी कि यहां पे कांदार और शहबाजगढ़ी वगैरह में तो खासकर जो हमारा पाकिस्तान वाला इलाका है वहां पे खरोस्टी स्क्रिप्ट यूज हुई है कौन सी खरोस्टी इस स्क्रिप्ट को ईरानियंस ने इंट्रोड्यूस किया था डेरियस वन करके एक मतलब ईरान का राजा था किंग था उसने अटैक किया था यहां पे उसी ने यहां इसको ये ये इंट्रोड्यूस किया अब मुझे पता है आपके दिमाग में मतलब ये कंफ्यूजन आ रहा होगा लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में अंतर क्या होता है बड़े ही आसान शब्दों में समझिए ठीक है थीके? आप व्हाट्सएप में ऐसे लिखते हैं क्या कि क्या कर रही हो ऐसे लिखते हैं नहीं <laughs> कैसे लिखते हैं है ना ऐसे तो लिखते कौन सी लैंग्वेज है मतलब ये कौन कौन सी सी पहली वाली अंतर है स्क्रिप्ट अंतर है का है? आपकी देवनागरी स्क्रिप्ट में ये है आपकी हम बोल सकते हैं देवनागरी स्क्रिप्ट में और ये जो इंग्लिश की स्क्रिप्ट है उसमें है ये स्क्रिप्ट अलग है लैंग्वेज सेम है प्राकृत लैंग्वेज यूज होती थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोस्टी स्क्रिप्ट के साथ ठीक है सिर्फ प्राकृत लैंग्वेज ही नहीं जैसे बताया लैंग्वेज तीन थी ग्रीक लैंग्वेज यूज होती थी ग्रीक लैंग्वेज और अरामिक लैंग्वेज ठीक है अरामिक लैंग्वेज जो खासकर <coughs> इधर पे मतलब ये थे खासकर ये जो आपके शहबाज गढ़ी और कांधाह यहीं पे यूज़ हुए हैं जो अफगानिस्तान साइड हमें देखने को मिले हैं ग्रीक और अरामिक मोस्टली तो प्राकृत लैंग्वेज ही यूज़ हुई है जो ग्रीक है ये ग्रीक स्क्रिप्ट में ठीक है ग्रीक जो है वो ग्रीक स्क्रिप्ट यूज़ हुई है यहाँ पर और जो अरामिक है यहाँ पे अरामिक स्क्रिप्ट ही यूज हुई है ये चीज हमें ध्यान रखना है तो लैंग्वेज मेनली तो मतलब मेनली अगर बात करूं तो प्राकृत हुई है लेकिन टोटल तीन लैंग्वेज हैं स्क्रिप्ट चार हैं प्राकृत लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज हुई है और उनमें से ब्राह्मी स्क्रिप्ट सबसे ज्यादा यूज हुई है ठीक है अभी हमने मेजर की बात कर लिया माइनर में आता है वैसे ये माना जाता है कि माइनर रॉक एडिक्ट पहले लिखे गए थे पहले इस तरह से लिखे गए थे लेकिन क्योंकि अब ये मेजर और माइनर हमने किस बेसिस पे बोल दिया सिंपल क्योंकि ये छोटे 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 पत्थरों में लिखे हुए हैं और बहुत ज़्यादा मतलब संक्षिप्त कंडेंस्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं बहुत इलाबोरेटली नहीं लिखे हुए हैं और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए माइनर रॉक एडिक्ट की बात करूँ कि माइनर रॉक एडिक्ट में पहली बात तो जितने भी ज़्यादातर हमें रॉक एडिक्ट देखते हैं दिखते हैं वहाँ पर अशोक का नाम देवनामी पियादसी मिलता है क्या मिलता है देवनामी पियादसी ये अशोक का नाम मिलता है हमें इंस्क्रिप्शन में, में देवनामी पियादशी सिर्फ कुछ ही इंस्क्रिप्शन हैं जहां पे अशोक का नाम अशोक लिखा हुआ है देवनामी का देवनामी पियादशी यानी कि देवनामी का मतलब है देवों का ठीक है देवों का प्रिय यानी बिलवड ऑफ गॉड्स इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं बिलाविड ऑफ गॉड्स बताया है अशोक ने इसलिए बताया है लोगों को कि बिलाविड ऑफ गॉड्स ताकि लोग अशोक से डरें थोड़ा सा है ना कि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करने से पहले ठीक है बट हमारे चार इंस्क्रिप्शन चा, ऐसे हैं माइनर रॉकेटिट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे अशोक का नाम अशोक मैंशनड है सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह मस्की जो कि कर्नाटका में जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेम अशोक मैंशनड इन मस्की स्टोन्स स्टोन स्लैब तो ये मस्की का ही स्टोन्स लैब है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राकृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये जो ये ये लिखा हुआ इसकी ये है इसकी है अशोक देवनामी पियादसी ज़्यादातर पिया जगह तो देवनामी पियादसी देवनामी प्यादसी लिखा है लेकिन यहाँ पे देवनामी पियादशी अशोक तो यहाँ से पता चला अच्छा देवनामी प्यादशी अशोक हैं तब पता चला था नहीं तो अभी तक पता ही नहीं चल रहा तो देवनामी प्यादसी कौन है तो यहाँ से पता चला जब मस्की में कि अच्छा देवनामी पियादसी अशोक ही हैं टू गॉड्स दैट इज अशोक ये लिखा हुआ अशोक ठीक है तो मस्क, <coughs> मस्की वाला है और एक गुज्जर है आपका ठीक है और एक है आपका ब्रह्मगिरी ठीक है ब्रह्मगिरी और एक है आपका आई थिंक निटूर वाला ठीक है हाँ निटूर वाला ही है ठीक है मस्की गुज्जर ब्रह्मगिरी निटूर जो आपसे एग्जाम में पूछेगा वही बताता हूँ वो मस्की पूछेगा आपसे मस्की से अगर थोड़ा और जाएगा तो गुज्जर अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि वो ब्रह्मगिरी और निट्टूर के पास गया है ठीक है अब यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है ये पहले बता दो देन आगे बढ़ते हैं जल्दी से ठीक है देन इसके बाद हम लोग पिलर एडिक्ट देखेंगे बिकॉज अभी हमने क्या मैंने आपको बताया था कि एडिक्ट यानी कि उन्होंने कुछ लिखवाया है दो चीजों में लिखवाया है एक तो चट्टान में और एक पिलर में खंभे में चट्टान देख लिए दो तरह के मेजर और माइनर मेजर चौदह ये ध्यान रखना है हमें और उन चौदह में कौन सी लैंग्वेज और कौन सी स्क्रिप्ट यूज हुई है हमें पता होना चाहिए मोस्टली कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है प्राकृत और मोस्टली स्क्रिप्ट ब्राह्मी यूज हुई है बिकॉज मासेस वही जानती थी फिर हमें चौदह ये पता चला कि उसमें तेरहवें में ये कलिंग वॉर के बारे मेंशन करते हैं कि किस तरह से कलिंग वॉर के बाद इनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया ठीक है और बाकी तो पहला वाला थोड़ा सा हमें मतलब पता होना चाहिए कि इसमें फेस्टिव गैदरिंग को वो उन्होंने कर रखा था ठीक है चलिए और अगर बात करें देवनामी पियादसीन का नाम है ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन हैं सिर्फ चार हमें एडिक्ट्स मिलते हैं मस्की गुज्जर और ब्रह्मगीर नेट्टू जिसमें मस्की और गुज्जर हमें पता बताना चाहिए पता होना चाहिए मस्की आपका कर्नाटक में है ठीक है कर्नाटका में और जो ये गुज्जर वाला है जिसको गुर्जर के नाम से भी जाना जाता है ये आपका मध्य प्रदेश में है ठीक है एम पी में प्रेजेंटे एम पी में पड़ता है और राइट चलिए क्लियर है ब्रह्मानंदा आई होप क्लियर हो गया होगा गुज्जर आपका एम में मध्य प्रदेश में ठीक है फिर कौटिल्य ने काहे पे लिखी थी अर्थशास्त्र ए या आई आर वन पूछ रहे हैं देखिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र मतलब उनकी उन्होंने जैसे कि उन्होंने चीज़ें बताई थी ठीक है तो उनको किसी ने लिखा होगा मतलब थोड़े बहुत उनके लिटरेरी सोर्सेज होंगे फिर उसको आगे धीरे 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 जो फर्दर किंग्स आए उन्होंने लिखने का काम किया होगा उसको और अपने हिसाब से हो सकता है उसको मॉडिफाई करवाया हो और उसको लिखवाया उसकी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास नहीं है ठीक है उनकी उसकी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास नहीं है वो एक्चुअली में जब किंग्स ने उसको मतलब लिखवाया होगा उसको मॉडिफाई करवा करवा के तो हमें मतलब हमें नहीं ब्रिटिशर्स को मिली थी वो किसी एक ब्राह्मण के घर में तो उन्होंने वही तब उस समय चीज़ें वर्बली चलती थी कि मैंने आपको बता दिया फिर वो किसी ने किसी को बता दिया और वहाँ से वो चीज़ें लिखी गई ठीक है क्लियर है आगे बढ़ें माइनर रॉक एडिक्ट हो गया आपके अब आते हैं पिलर एडिक्ट में यानी पिलर में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं इस तरह से पिलर में अब पिलर एडिक्ट कितने हैं टोटल पिलर एडिक्ट की बात करें सात हैं अब ये सात जब मैं बोल रहा हूँ मतलब तुरंत दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए कि सात खंबे हैं ठीक है सात लाइने हैं जिस तरह उसमें चौदह रॉक नहीं थे चौदह लाइने थे उन रॉक्स में उस तरह इन पिलर्स में सात लाइने हैं क्लियर अब वो सात लाइने क्या है हमें जानने की जरूरत नहीं है अभी जो हम लोगों ने रॉक में चौदह लाइने थी वो मैंने थोड़ी आपको बताई उस इनमें भी वही धम्म का कॉन्सेप्ट ही बताया गया है बट हमें यह जानने की जरूरत नहीं इनमें क्या लिखा हुआ है तो फिर हमें इनमें क्या जानने की ज़रूरत है हमें यह जानने की ज़रूरत है इसके स्ट्रक्चर के बारे में ठीक है और इसमें किस तरह की लैंग्वेज का यूज हुआ है और इसलिए भी बिकॉज आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो पूरा पिलर है यह जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इस स्ट्रक्चर में इसके चार कॉम्पोनेंट हैं एक है खम्बा ठीक है ये इन्वर्टेड लोटस आप देख पा रहे हैं ये जिसमें कि ये ऊपर एक एनिमल बैठा हुआ है क्लियर तो यहाँ पे चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ ये एक तरह का हमारा खम्बा हो गया ठीक है इस खम्बे में अगर आप ध्यान से देखें तो इन्वर्टेड लोटस स्ट्रक्चर है अब क्योंकि जैसे कि कल मैंने आपको बताया था हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा था कि पिकासो एक थे जिनकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी ठीक है और उस पिकासो के बाद अगर कोई आता है तो वो मैं हूँ <laughs> जैसे उनकी पेंटिंग को भी कोई समझ नहीं पाता कि क्यों इतनी महंगी है वैसे मेरी पेंटिंग को भी कोई समझ नहीं पाता है ठीक है तो ये हमारा एक ये है और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि कोई एनिमल है ठीक है एनिमल को कैसे ड्रा करें तो ये कोई मतलब मान लो ये एनिमल है कैसे करें तो ये आपका एनिमल लिख दिया मैंने एनिमल ठीक आई थिंक एनिमल कोई मूवी भी आई है ना अभी तो इसको बोलते हैं क्या इसको बोलते हैं शाफ्ट जो खंबा आप देख पा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज शाफ्ट ये जो यहां पे आप देख पा रहे हैं इसको इनवर्टेड लोटस बोलते हैं ठीक है यूजुअली लोटस ही होता है इनवर्टेड लोटस ये जो है जिसके ऊपर वो एनिमल खड़ा हुआ है बैठा हुआ है इसको अबैकस बोलते हैं और ये जो एनिमल इसको एनिमल नहीं बोलते हैं इसको कैपिटल बोलते हैं ध्यान रखना क्या बोलते हैं इसको कैपिटल तो जब भी आप सुने कि अशोका कैपिटल अशोका का कैपिटल अशोका पिलर कैपिटल तो कैपिटल का मतलब है उस खम्बे के ऊपर जो एनिमल बैठा हुआ है बट खम्बे के खंबे से जस्ट ऊपर अगर हम बात करें इन्वर्टेड लोटस उससे ऊपर अबैकस है उस अबैकस के ऊपर एनिमल बैठा हुआ है अब यहाँ पे इस चीज को आप देखिए ये जो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं ये क्या है बुल है ये जो बुल है ये राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं राष्ट्रपति भवन की पिक्चर है ठीक तो ये हमने क्या किया एक राम एक रामपुरवा में है इनका आ, पिलर एडिक्ट था तो वहां से हमने क्या किया इसको उठा के यहां पे रख दिया अब एक चीज ध्यान रखिएगा ये आप कि जितने भी पिलर एडिक्ट हैं इसको मैं आपसे मैं हटा दूं या फिर आगे जगह है आगे जगह है नहीं तो इसको मैं हटा देता हूं ठीक है और यहां पे इस चीज को मैं लिख देता हूं ठीक है वो मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया था ये शाफ्ट हो जाएगा ये आपका इनवर्टेड लोटस है ठीक है ये जो आप देख पा रहे हैं जिसमें ये एनिमल हमारे बैठे हुए हैं, अबैकस है तो है और ये है मतलब कैपिटल ठीक है तो ये जो लाइंस हैं, जो सात लाइंस हैं, ये सारे उसमें मेंशन नहीं है पहले बात तो ये ध्यान रखना ठीक है सब में मेंशन नहीं है और ये जो सात और ये भी नहीं है जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था चौदह हमारे रॉक एडिक्ट है ना तो ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ पे हमें मिले वहाँ पे सब सब में चौदह लाइनें थी हमें यह पता है कि यहाँ चौदह मैक्सिमम लाइनें थी लेकिन सब में चौदह लाइनें थी उसी तरह ये जो आप सात लाइनें ऐसा नहीं कि सब में सात लाइनें थी काफ़ी सारे पिलर एडिक्ट ऐसे मिले जहाँ पर एक भी लाइन नहीं थी बट उसको भी हम पिलर मानते हैं कि अशोका का पिलर है अशोका का वो स्तंभ है लेकिन उसमें एक भी लाइन नहीं थी जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपका जैसे कि आपका एक आई थिंक वैशाली में था जो हमें मिला उसमें कोई लैंग्वेज नहीं थी और एक हमें मिलता है डेली से डेली टोपरा उसको बोलते हैं ठीक है डेली टोपरा डेली टोपरा पिलर एडिक्ट यह एकमात्र है ओनली ओनली पिलर एडिक्ट ओनली विद पिलर एडिक्ट विद सेवेंथ लाइन या फिर सेवेंथ एडिक्ट अभी मैंने बताया एडिक्ट का मतलब लाइन्स ठीक है तो सात लाइन्स लेकिन जितने भी मिले किसी में भी सात लाइन नहीं थे सिवाय इसको डेली जो टोपरा का है सिर्फ इसी में ही सेवेंथ एडिक्ट हमें मिलता है क्लियर और और कुछ और कुछ चलिए अभी लैंग्वेज भी देख लेंगे कि लैंग्वेज इसमें से सिर्फ एक ही यूज हुई है ठीक है ओनली वन लैंग्वेज एंड ओनली वन स्क्रिप्ट ओनली वन लैंग्वेज लैंग्वेज कौन सी होगी वो ऑब्वियस बात है प्राकृत ही होगी और एंड वन स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट कौन सी होगी वो ब्राह्मी होगी ठीक है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया गया ठीक अब यहां पे जो आप लेफ्ट साइड में देख पा रही हैं कहां से हम लेके आए रामपुरवा से रामपुरवा और उसको कैपिटल थी ये बुल जो कि प्रेसिडेंट हाउस में रखा हुआ है ये हजार 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और ये जो आप राइट right साइड में देख पा रहे हैं ये कहा का है ये सारनाथ का है सारनाथ का पिलर का ये कैपिटल है और इसको आई होप सभी जानते होंगे ये हमारे इंडिया का नेशनल एम्बलेम है चौबीस जनवरी उन्नीस तो को हमने इसको अपना नेशनल एम्बल घोषित किया ठीक है 24 फोर जैन 1950 को यहां पे क्या आपको दिख पा रहा है यहां पे आपको एक व्हील दिख रहा है अब मुझे बताइए बुद्ध बुद्ध जी के से, बुद्ध जी की लाइफ से के लाइफ के कौन से इंसिडेंट से व्हील एसोसिएटेड है इस व्हील को के अराउंड आपको ये चार एनिमल्स देखने को मिलेंगे जो इस पूरे चक्र को घुमा रहे हैं इस पूरे लाइफ के एग्जिस्टेंस को चला रहे हैं और ये जो हमें सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है यहां पर मैं लिख देता हूँ या तो यहीं पे लिख देते हैं जो सारनाथ वाला आपका पिलर इंस्क्रिप्शन है ये अशोक का धम्म चक्र प्रवर्तन दिखाता है धम्म चक्र प्रवर्तन टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ यानी कि जो सा, आ, आ, सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था जो पहला सरमन दिया था फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा तो उसको कमरेट करने के लिए अशोक ने ये बनवाया था ठीक है यहां का सारनाथ वाला फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा जो उन्होंने सारनाथ में दिया था और उसका जो सिंबल है वो व्हील है और इस व्हील को कितने एनिमल्स घुमा रहे हैं चार एक तो यहां पे आपको दिख रहा <coughs> दिख रहा होगा ऑक्स ये कौन सा एलिफेंट है आ, यहां पे लिख दू क्या है रुको रुको यहां पे लिख देते हैं राइट साइड में ठीक है यहां पे राइट साइड में सारे लिख देते हैं ठीक है एक साथ तो चार यहां पे एनिमल थे एक तो एलिफेंट दूसरा हॉर्स तीसरा ऑक्स और चौथा था लाइन आपका ठीक है और यहाँ पे भी आपके चार लाइन हैं बड़े बड़े जो कि दहाड़ रहे हैं ठीक है और जो धम्म का कॉन्सेप्ट है वो सबको दहाड़ दहाड़ के बता रहे हैं ठीक है ये आपका इन्वर्टेड लोटस हो गया एंड दिस इज योर अबैकस तो ये कहाँ पे मिला सारनाथ में तो रामपुरवा बुल है रामपुरवा बिहार में वहाँ से इसको लेके और जो रामपुरवा वाला था ना रामपुरवा वाला ये जहाँ से इसको निकाल के लाए उसमें भी एक भी एडिक्ट नहीं था एक भी लाइन नहीं लिखी हुई थी इसमें भी जैसे वैशाली में नहीं लिखी हुई थी वैसे इस वाले में भी नहीं लिखी हुई थी एक भी लाइन ठीक है लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया बाकी सब हमें जानने की जरूरत नहीं क्योंकि और भी थे जैसे कि यहां पर लिख देता हूं मैं ठीक है लौरिया अराज लॉरिया है ठीक है कुछ और मत प्रोनाउंस करिएगा इसको लॉरिया नंदगढ़ ठीक है ये है आपके बिहार में ठीक है अब अगर हम कैपिटल की बात करें सर कैपिटल में कौन कौन एनिमल देखने को मिलते हैं तो ये ज़्यादातर में लाइन देखने को मिलते हैं चार लाइन है जैसे एक इसमें एक ही लाइन है तो ये हमें वैशाली में देखने को मिलता है जहाँ पर एक ही लाइन है ठीक बुल देखने को मिलता है रामपुरवाम बुल बुलता और कहीं कहीं पे एलिफेंट देखने को मिलता है और कहीं कहीं पे कुछ नहीं देखने को मिलता है ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ बनवाया नहीं हो सकता है कोई उखाड़ के ले गया हो एशियन टाइम में जो हो सकता है इस्लामिक इन्वेजन हुआ उस टाइम पे कोई आया उखाड़ के ले गया उसको अपने यहाँ रख दिया हो जाके ठीक है तो मतलब काफी में नहीं मिले और काफ़ी में जो मिले हमें तो तीन तरह के एनिमल मिले ज़्यादातर में लाइन मिला बुल मिला या फिर एलिफेंट मिला ठीक है और रॉक एडिक्ट की अगर बात करें तो सेवन्थ रॉक एडिक्ट सिर्फ ये जो डेली टोपरा का है वहाँ पर मिला ठीक है और जिनमें कुछ हैं जिनमें कि बिल्कुल ही नहीं मिला एक भी एडिक्ट नहीं मिला जैसे रामपुर जहाँ रामपुर हुआ जहाँ से उसको बुल को लेके आए बिहार में वहाँ पर नहीं मिला ठीक है तो योप यहाँ पर चीज़ें क्लियर होंगी और हमारे कुछ आर्किटेक्चर देख लेते हैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बराबर हिल केव्स ये मैंने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखी थी जब एम सी सॉल्व कर रहे थे ये बराबर हिल केव्स हैं तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही स्टार्ट किया था आपने अजंता एलोरा केव्स के बारे में ज़रूर सुना होगा केव का मतलब क्या होता है गुफा बना देना चट्टान को खोद के तो इन्होंने क्या किया चट्टान को खोद के बराबर ये बिहार में है और ये केव्स को क्या करते थे फिर दे दिया करते थे जो उस पर्टिकुलर धर्म धर्म के जो गुरु होते थे जैसे ये बुद्धिस्ट के लिए केव्स बनवाई किसने अशोका ने बुद्धिस्ट के लिए केव्स बनवाई किसने अशोका ने ऐसे कुछ हमारी और भी केव है जैसे कि अगर बात करूं लोमस ऋषि केव लोमस ऋषि केव ये भी माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने बनवाया और ये भी आपका बिहार में है ठीक है एक और है नागार्जुनी केव ठीक है नागा अर्जुनी गुफा केव ये माना जाता है कि अशोक के जो पोते थे दशरथ मौर्य उन्होंने इसको बनवाया ठीक है ये भी बिहार में है दशरथ मौर्य और ये मतलब उन्होंने जो आजीविका सेक्ट है उसको वो डिवोट करी क्लियर तो हम मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ें उससे पहले एक चीज़ कि क्या अशोक पे ही डेनेस्टी ख़त्म हो गई थी क्या तो ऐसा बिल्कुल नहीं है अशोक के जैसे पोते और फिर आगे जो कुछ रूलर्स आते रहे लेकिन वो उतने कैपेबल रूलर्स थे नहीं इसलिए बाद में जाके डेनेस्टी का अंत हो जाता है और इसके जो लास्ट रूलर थे

अभी यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बता तो देन हम करेंगे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन पे लास्ट पेयर बढ़िया तो रहता बिल्कुल अनुराधा सौरभ बस थोड़ा सा और बाकी है एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा देखेंगे है ना पिलर कितना था था वो हमें देखो अभी मैंने मैंने क्या जब रॉक तो आपको ये बताया अविनाश की रॉक हमारे इतने थे नहीं वो हमें जानने की जरूरत नहीं थी कितने क्या रॉक मिले हो सकता है कि कुछ और रॉक हमें कुछ खोज चलती रहती मिल गया तो तो ना ही हमें यहाँ पे जाने की जरूरत कहा कितने पिलर मिले ना हमें ये जानना कि कितने एडिक्ट थे उसमें बस मेजर रॉक में सत चौदह और पिलर में सात बस बात खत्म ठीक एम सी का टाइम है अभी नहीं एमसीक्यूज का टाइम नहीं है प्रवीण चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किस तरह का इनका प्रशासन था तो प्रशासन बहुत ही तगड़ा था तगड़ा होना भी था क्योंकि इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन संभालना था तो भाई तगड़ा तो रखना ही था तो इनके मतलब कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी थी इसको लेके कॉटिल ने सप्तांग थ्योरी दी सप्तांग थ्योरी का मतलब है कि कॉटिले के अकॉर्डिंग सेवन एलिमेंट्स होते हैं सेवन एलिमेंट्स थे या फिर सेवन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को रूल करने के लिए पहला तो होता है किंग ठीक है जिसको कि हम राजा बोलते हैं ठीक है तो राजा ठीक है दूसरा होता है हमारा सेक्रेटरीज होते हैं ठीक है सेक्रेटरीज इनको बोला गया अमत्य इनको क्या बोला जाता था अमत्य ठीक है कौटिले जी सेक्रेटरी बोल के नहीं है वो अमृत्य बोल के गए हैं ठीक है फिर होती उस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन की टेरिटरी टेरिटरी मतलब टेरिटरी का हम बोल सकते हैं जनपद ठीक है जनपद जहाँ पे जन के पद पड़ गए है ना वही उसकी टेरिटरी हो गई हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है किला होता है जिसको कि हम फोर्ट बोलते हैं उसको उस टाइम पे दुर्ग बोला जाता था ठीक है जरा बताइए किस पर्टिकुलर गॉड को डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स के नाम से जाना जाता था बताइए पुरंदर जिनको जिसका मतलब होता था डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स जो वैदिक जो अर्ली वैदिक पीपल थे उनकी बहुत वर्शिप करते थे फिर होता होता है 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 हमारा हमारा ट्रेजर ट्रेजर मतलब खजाना जहां पे पैसा रखा जाता दैट इज ठीक है? होता है हमारा आर्मी ठीक है जिसको कि सेना बोला जाता है ठीक है और सेवेंथ होता है हमारा फ्रेंड फ्रेंड से भी हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए मित्र ठीक है तो वो थे हमारे इंद्र भगवान ठीक है जिनको की पुरंदर बोला गया नाउ अब जो किंग होता था उसके कुछ काउंसिल ऑफ़ मिनिस्टर होते थे और कुछ उसके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होते थे ठीक है किंग तो हर काम जाके जाके करेगा नहीं जिस तरह से अगर हम देखें तो जो मतलब सरकार होती है जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है मंत्री परिषद है है ना हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे फिर उनके मतलब बहुत सारे डीएम हैं है ना है कि नहीं डीएम एम बहुत सारे बहुत सारे लेखपाल हैं बहुत सारे पटवारी हैं ये क्या है ये एडमिनिस्ट्रेशन ही तो संभाल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाल रहे हैं तो ऐसे ही उस टाइम पे भी हमारे ऑफिसर्स रहते थे तो उन ऑफिसर्स को हम किस नाम से जानते हैं ये आपको पता होना चाहिए जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर हैं सारे यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो ठीक है दो इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे पैसे को लेके है ना हम ये बोल सकते हैं कि फाइनेंस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट थे सानी धाता और समार्ता सानी धाता और समार्ता इन दोनों को काम किया था समार्ता का, का काम था ये एक तरह का कलेक्टर जनरल ऑफ़ रेवेन्यू था मतलब इसका ये था कि पैसा कलेक्ट collect करना कलेक्टर जनरल जनरल ऑफ़ रेवेन्यू मतलब ये जैसे कि बंदा जाएगा ठीक है अब होता क्या था कि जैसे लैंड पड़ी हुई है जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो आपका हाउस टैक्स पड़ता है या फिर आप कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं तो आपका टैक्स पड़ेगा चाहे आप रहें चाहे ना रहें उसी उस समय भी ऐसा था कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर लैंड आप ओन कर रहे हैं तो उसमें टैक्स पड़ेगा तो सम्हार्ता जी हमारे जाते थे उसका पर्टिकुलर वो लगाते थे कि हाँ इसमें इतना प्रोड्यूस हो सकता है बिकॉज जो टैक्स देना होता था उस समय वो या तो आप पैसे के फॉर्म में दे दो या फिर आप Uh, कुछ भी जो आप प्रोड्यूस करो जैसे कुछ भी मतलब uh, हम बोल सकते हैं आप टोमेटो प्रोड्यूस करो पोटैटो जो भी उस समय प्रोड्यूस होता था उसके फॉर्म में भी दे सकते हो लोगों के पास ऑप्शन था तो वो उसी हिसाब से टैक्स को डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट लैंड समार्था और सानी धाता जो है जो कलेक्ट होकर पैसा जो आ गया है उसको देख करते थे तो अच्छा मुझे ये बताइए देखते हैं आपका ब्रेन पावर थोड़ी सी इन दोनों में से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मोर्यस के लिए सानी धाता या फिर समार्था बताओ जरा देखते हैं आपका दिमाग कहां तक चलता है दो तरह के कोर्ट सेटअप किए थे टू टाइप्स ऑफ कोर्ट्स अब देखो कोई भी केस होता है ठीक है जैसे कि कोई भी केस होता है अगर जिन लोगों ने मेरे जैसे पॉलिटी पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा कि हमारे दो तरह के मैटर होते हैं सिविल और एक क्रिमिनल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई डाउरी वाला मसला है ठीक है तो वो उसको हम अलग रखेंगे कोई मर्डर वाला मसला है तो उसको हम अलग रखेंगे कोई दहेज वाला है उसको अलग रखेंगे और किसी का कत्ल कर दिया उसको हम अलग रखेंगे जो डावरी हो गया या फिर टैक्स किसी ने नहीं भरा या फिर घर में झगड़े हो गए तो उनको हम सिविल मैटर बोलते हैं ठीक है तो दो तरह की कोर्ट थी एक तो सिविल कोर्ट थी और दूसरी होती थी क्रिमिनल कोर्ट मान लो कि किसी ने क्राइम कर दिया कुछ जैसे अशोका के समय जानवर को मारना वॉज अ क्राइम ठीक है तो क्रिमिनल कोर्ट तो सिविल जो कोर्ट हुआ करती थी इसको कौन मतलब पहले पहली बात तो उसको बोलते क्या थे या फिर पहले हम ये देख लेते हैं कि हाँ पहले बोलते क्या था और फिर इसको कौन मतलब चलाता था ठीक है तो धर्मस्थिया धर्म स्थिया न्यायालय ठीक है धर्म स्थिय न्यायालय चलो यहां मैं न्यायालय भी लिख देता हूं न्यायालय ठीक जैसे कि हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो वैसे ये भी न्यायालय थे कोर्ट थे तो धर्मस्थीय न्यायालय मतलब सिविल वाला मैटर देखेगा और कौन देखेगा इसको व्यवहारिका ठीक है धर्म का मतलब अभी इसको हम याद कैसे रखेंगे व्यवहारिका व्यवहारिका भाई ये व्यवहार देखता था अभी मैंने बताया सिविल केसेस में क्या आएगा कि घर के लोग आपस में व्यवहार मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में व्यवहार थोड़ा सा संबंध जो है खराब हो गए हैं तो वो सिविल मसले में जाएगा तो व्यवहारिका ही तो देखेगा व्यवहार जो संभालता है व्यवहार को जो अच्छे से जानता होगा ठीक है क्रिमिनल वाले की अगर हम बात करें क्रिमिनल कोर्ट को किस नाम से जानते थे तो इसको हम जानते थे कंटका शोधन कंटका शोधन न्यायालय और इसको कौन देखता था न्याय या ले इसको प्रदेश क्लियर ये हो गया हमारे और भी हैं जैसे कि अगर हम बात करें गोपा जी होते थे एक गोपा इनका काम क्या होता था ये अकाउंट के लिए रेस्पॉन्सिबल थे ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट अकाउंट मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे अच्छा एक अकाउंटेंट जनरल भी हुआ करते थे तो जो इनसे ऊपर वाली पोजिशन बोल सकते हैं एंड ही वॉज अक्ष पटल ठीक है ध्यान रखना अक्ष पटल ये होते थे हमारे अकाउंटेंट जनरल यानी कि पूरा जो अकाउंट वगैरह रखते थे ठीक है अकाउंटेंट जनरल एक होते थे हमारे आ, नगर का ठीक है उनको बोलते थे नगर का अब ये कौन होंगे नगर का जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर सिटी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एक शहर का पूरा जो हम बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था देखने का काम होता था, था नगर का का और एक इंपॉर्टेंट है सीताध्यक्ष सीता सीता का काम क्या होता था इनका काम होता था वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर ठीक है एग्रीकल्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल थे फिर एक ऐसे होते थे हमारे समध uh, सम अध्यक्ष सब में अध्यक्ष अध्यक्ष लास्ट में आपको मिल जाएगा सीता जी ऐसे याद कर लो सीता जी एग्रीकल्चर देखती थी ठीक है संस्था यानी कि संस्था पूरी देखते थे कि भाई व्यवस्था व्यवस्था सब ठीक है कि नहीं संस्था ठीक है कि नहीं कहां पे मार्केट में ठीक है तो ये रिस्पॉन्सिबल थे मार्केट के लिए ऐसे हमारे देखते नाव अध्यक्ष ठीक है नाव अध्यक्ष तो ये क्या देखेंगे भाई नाव के अध्यक्ष है तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ये नाव के लिए यानी शिप्स क्योंकि नेवी भी मेंटेन कर रखी थी जो हमारा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें नेवी भी हमें देखने मिलती है तो उसको ये मेंटेन करके रखते थे नाव अध्यक्ष फिर ऐसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था शुल्क अध्यक्ष शुल्क अध्यक्ष क्या करते थे शुल्क अध्यक्ष करते थे शुल्क यानी कि टोल टैक्स लेते थे ये क्या करते थे टोल टैक्स लेते थे हमें पता है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे मतलब एक कॉमन एंट्रेंस होता था वहां से चीजें आती थी बाहर जाती थी तो वहां शुल्क अध्यक्ष अपना शुल्क लेते थे और एक और टाइप ऑफ मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए इज धम्म धम महामात्रा अब ये जो धम्म महामात्रा है ऐसा नहीं कि सारे मौर्यन रूलर्स ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको भी बिठा के रखा था नहीं ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे नहीं थे ना ही बिंदुसार के टाइम पे और ये किसके टाइम पे आए होंगे अशोक के टाइम पे यानी कि इट वाज द न्यू पोस्ट क्रिएटेड बाई अशोक जिनका काम क्या था न्यू पोस्ट क्रिएटेड बाई अशोक कि जो ये पिलर्स में हमने लिख रखा है जो हमने धम्म का कॉन्सेप्ट बता रखा है कि रिलीजियस गैदरिंग नहीं करनी ये नहीं करना वो नहीं करना है क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं और ये डायरेक्टली आंसरेबल था किसको अशोक को तो धम्म महामात्रा जो है इसको अशोक ने क्रिएट किया अशोक का जो धम्म था क्या लोग उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं उसको देखने के लिए ऑल राइट right? अब जो हमारे आ, ये थे कौन थे ये क्या नाम इनका मेगास्थनीस जिन्होंने इंड का किताब लिखी तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये लिख रखा था कि जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोकल लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है नग ये नगर पालिकाओं का ये टोटल छः कमिटीज़ में बटा हुआ है और हर कमिटी में पाँच लोग हैं फाइव मेंबर्स ईच यानी कि टोटल तीस लोग हैं उसमें से छः कमेटी हैं तो पाँच मेंबर्स ईच हो गए ऐसे इन्होंने फिर एक चीज़ बोली कि जो इस समय आर्मी मेंटेन की जा रही थी वो भी तीस लोगों की थी जिसमें छः कमिटीज थी और पाँच मेम्बर ईच थे उसमें यानी कि नेवी के अलग और मतलब आपका ये जो आर्मी जो हम बोलते हैं ना थल सेना जिसको बोलते हैं उसका अलग तो इस तरह से उन्होंने ये बोल रखा था बट इस पर हम ज़्यादा बिलीव करते नहीं हैं। रीज़न कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अलग चीज़ें मैंशनड हैं जो कि हमने थोड़ी सी अभी चीज़ें पढ़ी और ज्यादा डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है तो बस हमें पता होना चाहिए कि ये जो ने अपनी किताब इंडिका में क्या मेंशन कर रखा था अगर पूछ ले तो थोड़ा सा हमें पता हो कि क्या इन्होंने मैंशन कर रखा था बाकी हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं क्योंकि ये में गलत माना जाता है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इनको थोड़ी ना उतना पता होगा जितना कि कौटिल्य को पता होगा ठीक है और अगर हम बात करें सोसाइटी वगैरह की और हाँ ये आपका प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उस समय ठीक है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे कि मान लो कि आज सेंटर में बीजेपी का रूल है और हर स्टेट इंडिया के ऑलमोस्ट जितना स्टेट है हर वहीं पे बीजेपी का रूल हो जाए या जा फिर चलो अभी भी जितने स्टेट में रूल है बीजेपी का तो किस तरह से जैसे सेंट्रल प्रोविंस सेंटर में मोदी जी बैठे हैं ठीक है थीके? अब ऐसे समझ लो वेस्टर्न में ठीक है तो मतलब जो हमारे मान लो कि राजस्थान में सरकार आ गई ठीक है बाकी जो स्टेट है गुजरात वगैरह में वहाँ पे क्या बैठा रखे हैं चीफ मिनिस्टर बैठा रखे हैं ठीक है ईस्टर्न में मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे स्टेट है वहाँ चीफ मिनिस्टर बैठा रखे हैं ठीक है नॉर्दर्न स्टेट में बिठा रखे हैं जैसे मान लेते हैं यूपी वगैरह में सदर्न स्टेट जो कुछ होंगे वहाँ पर इन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर बैठा रखे हैं ठीक है तो चीफ मिनिस्टर एक तरह से हम बोल सकते हैं ये क्या हैं जो उस पर्टिकुलर प्रोविंस को रूल कर रहे हैं ठीक है तो जो हमारा सेंट्रल प्रोविंस था दैट इज ये वाला जो हिस्सा जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी मगध ये सेंट्रल प्रोविंस था अब इतने पार्ट में रूल था तो इसको प्रोविंसेस में बांट दिया था इसको बोला गया उत्तर पथ जो कि तक्षीला तक था तक्षशिला तक उत्तर पथ कहलाता था ईस्टर्न अगर बात करें तो इसको प्रश्य पथ बोला जाता था वेस्टर्न इसको हम अवंती पथ बोलते थे और जो सदर्न तक था इसको हम दक्षिण पथ बोलते थे और दक्षिण पथ और उत्तर पथ मैंने आपको पहले ही बताया था कि दक्षिण पथ आपका जाता है सुवर्णगिरी तक वेस्टर्न जो आपका जाता है यानी कि दैट इज अवंति पथ यू उज्जैन तक अवंती जहाँ पे जिसको कि शिशुनगर ने कैप्चर किया था और प्रश्य पथ आपका जाता है कलिंग तक जिसको कि अशोक ने कैप्चर किया था उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस मैंने आपको बता दिया ताकि अगर पूछा जाए तो थोड़ा सा आपको चीज़ें पता हों ना कमिंग ऑन टू कि इस समय इकोनॉमी और सोसाइटी किस तरह से थी ठीक है इकोनॉमी और सोसाइटी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो सबसे पहले सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी वैसी थी जैसे पहले थी यानी कि चार वर्ण थे हमारे वो चार वर्ण कौन थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ठीक और कौटिल्य जो अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी उनका थोड़ा सा रिजिड मान मतलब रिजिड ओपिनियन था इसको लेके कि मतलब कोई भी जो लोअर क्लास का है ठीक है वो अपर क्लास से शादी नहीं कर सकता है और लोअर क्लास का कोई किंग नहीं बन सकता है इस तरह से इनका काफ़ी सारा मानना था लेकिन वो हमें मानने ना मानने से ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं और नहीं हमें जानने की ज़रूरत है वो चीज़ें हमें ये पता होना चाहिए कि जो मैगस्थीनीस की जो इंडिका है उसने चार वर्ण में सोसाइटी को नहीं बताया उसने ये बताया कि सात वर्णों में डिवाइडेड थी सात क्लासेज में वर्ण नहीं सात क्लासेज लिख लेते हैं हमें डिवाइडेड थी जो कि बिल्कुल ही सत्य नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें भी पता है कि ब्राह्मण आज भी एग्जिस्ट करता है वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है ना तो साथ वर्ल्ड में नहीं था बट ये इंडिका में लिखा था और ये चीज़ पूछी भी गई सीजियल दो हजार में इंडिका में ही मेगस्थनीज ये बोलते हैं कि कोई स्लेवरी थी ही नहीं जो कि अगेन गलत है क्यों क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि आ, ये जो हमारे कौटिल्य जी हैं अपने अर्थशास्त्र में ये मतलब चीज़ बता के गए हैं कि किस तरह से एक किंग को स्लेव्स मेंटेन करने चाहिए और वो स्लेव कौन होंगे यूजुअली शूद्राज होंगे और उन स्लेव से एग्रीकल्चर करवाते थे लोग क्योंकि इतना बड़ा टेरिटरी था तो एग्रीकल्चर के लिए क्या करते थे ये जो शुद्रास थे क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर का करने का काम होता था ये वैश्य का होता था वैश्यास का तो क्या करते थे शूद्रास् से भी ये एग्रीकल्चर करवाते थे और उनको स्लेव्स के तौर पे ये बोलते थे कि स्लेव्स के तौर पे उनको रखना है तो ऑबियस ये बात उन्होंने खुद ही जिक्र कर रखा है और इतनी आइडियल सोसाइटी तो थी नहीं उस समय कि कोई स्लेवरी होगी ही नहीं जो आर्मी का भी पार्ट थी जो मैंने विश करना है आपको बोला तो क्या है वो ऐसे थोड़ी ना अनऑफिशियल थोड़ी ना वो आर्मी का पार्ट है वो विश करना है तो वेमेन ने भी आर्मी का पार्ट थी और हाई पोजिशन को ऑक्युपाई कर रखा था आगे आगे हम देखेंगे धीरे धीरे किस तरह से वेमेन की कंडीशन और डिटेर होती जाएगी और वेमेन जैसे जब हम गुप्ता एम्पायर पढ़ेंगे तो वहाँ पे वेमेन कहीं हमें दिखेंगी नहीं ठीक है तो हमें सोसाइटी ये पता होनी चाहिए चार वर्णों में डिवाइडेड थी बट इंडिका में ये मैंशन है कि सात क्लासेस में डिवाइडेड थी और कोई स्लेवरी थी ही नहीं ऐसा मैगस्तनी से बताया था इकोनॉमी की अगर थोड़ी सी चर्चा करें तो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से हमारे टैक्स हुआ करते थे और टैक्स वन सिक्स हुआ करता था बट धीरे धीरे आगे जैसे जैसे हम बढ़े तो वो ऐसा नहीं कि वन सिक्स पे फिक्स था टैक्स वो वन फोर्थ से लेके वन सिक्स तक था ठीक है वन फोर से लेके वन सिक्स तक था, था टैक्स जैसे कि अशोक थे उन्होंने उन्होंने जो लुम्बिनी प्रोविंस था क्योंकि वो हमारे गौतम बुद्ध जी का बर्थ प्लेस था इसलिए वहां पर उन्होंने टैक्स को काफी कम कर रखा था टैक्स को काफी कम कर रखा था कि उनको एग्जाम्पन्स दे रखे थे और उन लोगों को बाली भी नहीं पे करना होता था अब आप कॉमेंट में बताएंगे बाली क्या होता है वॉट इज बाली बाली क्या होता है और इन लोगों ने ध्यान रखना पोर्ट्स भी मेंटेन कर रखे थे यानी कि बंदरगाह भी मेंटेन कर रखे थे जैसे अगर मैं बात करूं वेस्टर्न जो प्रोविंस है वहां पे दो पोर्ट आपको पता होने चाहिए तो भरोच और सुपारा भरोच और सुपारा ठीक है और ईस्टर्न साइड में यानी कि ईस्टर्न पार्ट में एक पोर्ट आपको याद रखना है ताम्रलिप्ति जो कि प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में पड़ता है ताम्र ठीक है बस ये चीज हमें पता होनी चाहिए तो बाली एक थी वॉलेंट्री ऑफरिंग वैदिक टाइम पे जो मगध के टाइम पे हमने देखा कि क्या हो गई कंपलसरी हो गई थी बट ये कंपलसरी लुम्बिनी के लोगों के लिए नहीं थी तो अमरी पढ़ चुके हैं ठीक है भोग क्या था भोग तो भोग वॉज अ फॉर्म ऑफ टैक्स जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था है ना बट जो बाली थी दैट वॉज वॉल्ट्री ऑफरिंग ठीक है जो कि लोग किंग को करते थे जब वो किंग से मिलने आते थे तो ऑल राइट और यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर खत्म अब हम लोग करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन बहुत नहीं पढ़ा दिया ठीक है <laughs> बहुत नहीं पढ़ा दिया बहुत सारी चीजें आपको बातें बता दी आपको इसलिए सब बहुत सारी बातें बता दी ताकि चीजें आपके दिमाग में सेटल डाउन हो जाए चीजें तो जो जितनी मैंने लिखी है सिर्फ उतनी याद करनी है आपको ठीक है और मैंने आपको जो स्टोरीज बताई वो इसीलिए ताकि वो चीजें आपके दिमाग में सेटल हो जाए अब जब हम लोगों ने स्टोन एज पढ़ा था तो वहां पर कोई स्टोरी थी नहीं इसलिए मैंने आपको बताई नहीं ठीक है तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे और आप पाएंगे कि जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी हैं उनसे आप काफ़ी सारे क्वेश्चन को आराम से अभी ही कर पाएंगे ठीक है चलिए पहला क्वेश्चन करिए जल्दी से फिर चंद्रगुप्त को वो किंग क्यों बनाया कौटिल्य ने जब वो लोअर कास्ट के थे तो ए आई आर वन एक्चुअली कौटिल्य का ये मानना था कि अगर कोई हायर कास्ट का है ठीक है हायर कास्ट का है ठीक है और वो लोअर कास्ट की लड़की से शादी कर लेता है ठीक है तो वो किंग बनने के लायक है वो राजा बन सकता है लेकिन अगर कोई लोअर कास्ट का है और उसने हायर कास्ट की लेडी से शादी कर ली वो किंग उसका बेटा बनने के लायक नहीं है मतलब लोअर कास्ट वाला नहीं बन सकता है तो उस समय उनका ये मानना था कौटिल्य जी का कि जो वो नंदा था वो हायर कास्ट से था भले वो जो मूरी थी वो लोअर कास्ट से थी तो इसलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो किंग बन सकते हैं ये मानना था उनका ठीक है सर हमने स्टूडेंट्स सर क्या पीडीएफ मिल सकती है क्योंकि साथ नोट करते हुए तो अगर आप बैच में हैं माई मोटिवेशन तो बिल्कुल मिल जाएगी आपको ठीक है बाकी तो नहीं तो फिर आपको बनानी पड़ेगी बिकॉज uh, ये बैच की वीडियोज हैं जो लाइव फ्री चल रही है यूट्यूब पे अशोक अपॉइंटेड हु टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम इन इज रीजन तो अभी हम लोगों ने देखा किसको अपॉइंट किया था धम्म महामत्ता को ठीक है धम्म अशोक ने तो धम्म का कॉन्सेप्ट दिया था ठीक है समारता क्या करते थे समार्था का अच्छा मैंने आपसे पूछा था पता नहीं आपने क्या आंसर दिया मैंने पूछा था कि सानी दाता और समार्ता में कौन इंपॉर्टेंट होगा समार्ता इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करता था अब भाई सानी सा, दाता तो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर हैं बैठ के देख रहे हैं कि हाँ इसको कि कोई इसको चुराग ना ले जाए लेकिन सोचो कलेक्ट करने का काम किसका है समार्ता का तो जितना ज़्यादा कलेक्ट करेगा तो उतना ही अच्छा रहेगा ना है कि नहीं तो समार्ता वॉज मोर इम्पोर्टेंट

फोर्थ नंबर क्वेश्चन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है मोस्ट ऑफ अर शोकाज इंस्क्रिप्शन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट मैनी ऑफ चाना आइडिया वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र ठीक है पनाडा हरीश सही है मनीष विलेज एस्पिरेंट डेलीकेट ड्रीम्स चलो तो आंसर क्या होगा दोनों सही होंगे बिकॉज हमने देखा कि जितने भी इंस्क्रिप्शन थे वो चाहे रॉक इंस्क्रिप्शन हो चाहे पिलर इंस्क्रिप्शन हो पिलर तो सारे ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में थे और रॉक इंस्क्रिप्शन की बात करें अगर जो हमारे चट्टानों में जो शिला लेख लिखे गए उसमें से तो मोस्टली लैंग्वेज हमारी प्राकृत यूज़ हुई और स्क्रिप्ट ब्राह्मी बाकी यहाँ लैंग्वेज और भी यूज़ हुई जैसे कि ग्रीक हो गई अरामिक हो गई लेकिन मोस्टली कौन सी यूज़ हुई प्राकृत एंड स्क्रिप्ट ब्राह्मी मेगस्थनीस वाज एन एम्बेसडर हुआ सेंट टू कोर्ट ऑफ डैश बाई द रूलर तो मेगस्थनीस को किसके द्वारा भेजा गया था तो मेगस्थनीस को भेजा था सेलिकस निकेटर ने ठीक है सेलिकस निकेटर ने भेजा था तो आंसर क्या होगा किसके कोर्ट में भेजा था चंद्रगुप्त तो मौर्य के और कहाँ से था ग्रीस से था तो चंद्रगुप्त तो मौर्य ग्रीक सिक्स्थ अशोक अ वॉर टू कॉन्कर कलिंगा कलिंगा वॉज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल डैश तो कलिंग कोस्टल कौन सा स्टेट था मद्रास उड़ीसा बॉम्बे या फिर बंगाल सही आंसर क्या होगा उड़ीसा होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा ठीक है कोस्टल उड़ीसा विचो दूलर्स डिड नॉट बिलोंग टू मौर्य डेनेसिटी निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश का नहीं था और एक चीज कि मैंने आर्किटेक्चर में स्तूपा नहीं पढ़ाया है क्यों क्योंकि स्तूपा हम पहले पढ़ चुके हैं हम लोग पहले देख चुके मैंने सब कुछ आपको बताया था जल्दी बता अच्छा तो छत्र टॉप वाला ठीक है छत्र हो गया ये हो गया आपका अंड ये क्या था ये क्या होता था जो बीच में है तो आंसर क्या होगा डिड नॉट बिलोंग टू मॉरि डायनेसिटी बिंदुसार भी है अशोक भी है चंद्रगुप्त मौर्य भी है बिकॉज ये किस डायने से बिलोंग करते हैं हरियन का डाइनेस्टी से बिलोंग करते हैं ये जो कि पहली डायनेस्टी थी मगध रूल में मगध प्रोविंस में वो मंग दी फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मॉडर्न रूलर हु ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू दी पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन कौन सा पहला मॉडर्न शासक था जिसने कि इंस्क्रिप्शन शिलालेखों के थ्रू अपना संदेश फलाना लोगों तक स्टार्ट किया कि भाई मान जाओ नहीं तो बहुत मिले जाओगे ठीक है तो आंसर अशोक और इसको बोलते हैं हर्मिका ठीक है सभी ने सही उत्तर दिया किस किसने उत्तर दिया अविष्ठा चक्रवर्ती और और भी दे गए था काफ़ी काफी, काफी लोगों ने दी है ना मांडवी सृष्टि अंकिता बिनोय चलो नौशद आलम नाइंथ नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स वॉज यूज फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाई एशियन ट्रेवलर्स लाइक मिगस्थनीस फाहिन यूनसांग अलबरूनी इबना बतूता दैट इज सॉरी एक्सेट्रा फॉर एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स तो कौन से शब्द का यूज़ किया होगा स्वर्ण भूमि स्वर्ण जगत स्वर्ण बेट या फिर स्वर्ण देश तो अब वैसे बात है स्वर्ण भूमि का यूज़ किया होगा ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है बट ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर टेंथ विच टू किंग्स फॉट इन द बैटल ऑफ एडाप्सिस पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एडाप्सिस का जो बैटल हुआ था वो किन दो के बीच में हुआ अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस के बीच में अलेक्जेंडर आया था झेलम नदी के किनारे हुआ था ये झेलम का जरा मुझे बताइए वैदिक या फिर एंशियन नेम क्या है और पोरस भले इसमें डिफीट हो गया बट अलेक्जेंडर ने पोरस को उसकी ये टेरिटरी दे दी जो उसने जीती है पोरस से और वापस चला गया और क्यों गया था वो भी हमने देखा था और झेलम का पुराना नाम है वितास्ता है ना जेवी करके याद कर सकते हो जेवी चलो विजय द तो फॉलोइंग मॉरेन रूलर्स डिड सेलिकस निकेटर फाइट अगेंस्ट इन दी दि मॉरेन वॉर तो सेलिकस निकेटर किसके साथ लड़ा विदुषी यादव सलोनी सौरभ अभिषेक परमार असली वाले सबका सही चलो तो सेलिकस किसने किसके खिलाफ लड़ा तो हमने देखा चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेलिकस निकेटर जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई सेलिकस निकेटर की हार हुई और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में भी कब्जा हो गया 500 हंड्रेड एलिफेंट्स के बजाय काफ़ी सारी टेरिटरी देने की पड़ी सेलिकस निकेटर को और अपनी बेटी भी अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइंड ऑफ अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट इन कर्नाटका कर्नाटका में इनमें से कौन सा नहीं है ब्रह्मगिरी गविमथ मस्की रूपनाथ बताइए जल्दी से तो मस्की कर्नाटक में है ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है और गविमथ भी कर्नाटक में है रूपनाथ नहीं ठीक है तो रूपनाथ आपके कर्नाटक में नहीं है ये सारे कहां पे कर्नाटक में और जरा ये बताइए जब मैंने देखा था गुज्जर वाला वो कहाँ पे है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है मस्की ब्रह्मगिरी और गुज्जर क्योंकि यहाँ पे अशोक का नाम अशोक मेंशनड है ना कि देवनामी पियादसी ठीक है यहाँ पे देवनामी पियादसी अशोक मेंशनड है ठीक और गुजर हमारा एमपी में मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ओवर थ्री दी पावर ऑफ डैश एट मगध विद द एड ऑफ कौटिल्य एंड फाउंड अ ग्लोरियस मौर्य एम्पायर इन थ्री ट्वेंटी टू बी सी तो किसको हराया नंदास को हराया ठीक है ऑप्शन नंबर डी धना नंदा लास्ट टूला था उसको हराया था ठीक है आगे बढ़े और कुरु मल्ला सब हमारे पांचाल क्या थे ये हमने देखा था कि हमारे जो जन्स थे यानी जो क्लैंस थे उनके नाम है है ना कुरु से ही ट्राइब से कुरु से बिलोंग करते थे हमारे कौरव और पांडव

सब टाइटल्स इंटरवर्ड सचिन और डेलीकेट क्या ड्रीम्स मतलब जब खुदाई होगी <laughs> आज से जैसे हम लोग की ख़त्म हो जाएगी ना, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन तो जब खुदाई हुआ करेगी हजार दो हज़ार साल बाद तो फिर पता चलेगा ओहो लोग ऐसे सब टाइटल रखते थे इंट्रोवर्ड सचिन डेलिकेट ड्रीम्स है ना परमारसली वाले <laughs> चलो तो उसका सही आंसर क्या होगा मौर्य अब बस इसी वैसे में रुका हुआ था ये देखने के लिए बस मौर्य मौर्य चल रहा मार दो मौर्य अरे ये भी तो देखो ये एडी लिखा हुआ है अभी तक सिर्फ हम अभी एडी में हम एंटर ही नहीं किए हैं अभी तो सिर्फ हम बी सी बी सी कर रहे हैं मतलब इन ए गुड सेंस जैसे हमने अभी किया टू सिक्सटी वन बी सी अशोक थे ठीक है इससे पहले बिंदु उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य अभी तो एडी आया ही नहीं तो मौर्य कैसे हो सकता है ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त रूलर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एम्प्रशोक एमप्रेस्ट बुद्धिज्म आफ्टर दी तो बुद्धिज्म ने कब एम्ब्रेस किया तो हमें पता है कि आफ्टर कलिंग वॉर ना कि बैटल ऑफ बक्सर ये मॉडर्न हिस्ट्री में हम तीनों देखेंगे ठीक है थी? मतलब ये मेडिवल में और ये मॉडर्न में बक्सर वाला वाट वॉज दी नेम ऑफ किंग अशोकाज डॉटर होम ही अपॉइंटेड टू कैरी आउट द ड्यूटीज ऑफ बुद्धिस्ट मिशनरी तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अशोक ने सीलॉन में जो कि श्रीलंका का एंशंट नेम है और हमने कल श्रीलंका के रिगार्डिंग दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे जल्दी से बताइए श्रीलंका के रिगार्डिंग हमने दो तीन कल इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे करंट अफेयर वाली क्लास में तो सिलोन में हमें क्या पता होना चाहिए कि इन्होंने अपने एक बेटा और अपने बेटी बेटा महेंद्र महेंद्र और बेटी संग मित्रा ठीक है संग मित्रा ये मैंने लिखवाया भी था पिछले लेक्चर में उसको भेजा कहाँ पे श्रीलंका में बुद्ध धर्म को या फिर अपने धर्म के कॉन्सेप्ट को और फैलाने के लिए तो हमने देखा था कि श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको आईसीसी ने बैन कर दिया है ठीक है एबॉलिश कर दिया है एंड श्रीलंका के क्रिकेटर एंजिलो मैथ्यूज जिनको की पहली बार वो बने हैं जिनको टाइम आउट किया गया है है ना कल हम लोगों ने देखा था और हमने ये भी देखा था कि एक श्रीलंका के प्लेयर हैं जिनको की आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है कोई बताएगा उनका नाम डी सिल्वा करके थे अ टाइप ऑफ कोट कॉल्ड कंटा कोसधना वॉज प्रेजेंट इन दी कंट का शोधना ये किस उसमें प्रेजेंट थे तो ऑप्शन आपके कुशान मौर्य चोला या फिर राष्ट्रकूटा सबका सही है डी सिल्वा हाँ जितना हमने बताया उतना ही बता दो है ना बढ़िया है हाँ, मतलब सहवाग थे एक हमारी पहली वेमेन जो इंडियन है और एक वो है ना सबका सही आंसर है मॉडर्न इसका सही आंसर होगा और वो तो आना ही था क्योंकि मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न ही आएगा है ना और कोई तो आएगा नहीं चलो आगे बढ़े और ये कंट का शोधना है क्या हम लोगों ने देखा था ठीक है ये क्या है ये ये हमारा क्रिमिनल कोर्ट ठीक है याद आ रहा है कुछ दो तरह की कोर्ट होती हैं क्रिमिनल और सिविल सिविल कोर्ट को क्या बोलते हैं धर्मस्थीय धर्मस्थीय न्यायालय 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 ठीक ठीक है, है फिर धर्म इसको कौन करता था हमारा व्यवहारिका व्यवहार देखता था और इसको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता था प्रदेष्टा ठीक है प्रदेष्टा इसको एडमिनिस्ट्रेट करता था चलो आगे बढ़ते हैं अमंग दी फॉलोइंग पब्लिश्ड अ सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अठारह सो सत्तर में किसने एक पब्लिश किया एक सेट ऑफ अशोकन इंस्क्रिप्स तो यह किया हमारे फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी एंड ही इज नन अदर अलेक्जेंडर कनिंगम इनको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी बोलते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी द फर्स्ट स्कॉलर टू डिसाइफर अशोकन एडिक्ट निम्नलिखित में से कौन अशोक के शिला लेखों को समझने वाला पहला विद्वान था तो हमने देखा था कौन थे जेम्स प्रिंसेप ना, पहले हमें पता ही नहीं था कि ये क्या लिखा हुआ है ना खिचड़ी क्या पक्की हुई है बट हमें फिर बाद में पता चल गया यह है ना चलो जेम्स प्रिंसिप वो अमंग दूलर्स इट इंस्क्राइब्ड हिज मैसेज टू सब्जेक्ट बताइए वही होगा अशोक हमारे जी है ना नीच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशियट इंडिया बस चार पांच क्वेश्चन और बाकी है विच वॉज द फर्स्ट एम्पायर इन एंशियंट इंडिया टू यूज एलिफेंट्स इन इट्स वॉर ऑन अ लार्ज स्केल शुंगा चोला कुशान मगध तो ना तो हमने चोला पढ़ा है अभी ना तो कुशान पढ़ा है और हम मगध पढ़ चुके हैं और ये भी देख चुके हैं कि क्यों मगध जो है एक बहुत पावरफुल होकर एमर्ज होकर आया जितने भी हमने 16 महाजनपद पढ़े उनमें से क्योंकि इसका एक तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ईस्टर्न साइड में था फिर ये हमने देखा था कि इसकी जो एक कैपिटल थी राजगिरी उसको वो कैपिटल उसको हम ये बोलते हैं कि वो फाइव हिल्स से घिरी हुई थी ठीक है और जो दूसरी थी पाटलिपुत्र वो गंगा और सोन जो रिवर है गंगा की टेबरी उसके द्वाब क्षेत्र में थी

मुगल एम्पायर को तो इंडियन हिस्ट्री में अटावी का राज्य हम बोलते हैं जो फॉरेस्ट किंगडम्स होते हैं ऑप्शन नंबर सी ठीक ये भी हम लोगों ने नहीं किया था ट्वेंटी फोर्थ विच ओ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ टाइप ऑफ सैक्रीफाइस परफॉर्म्ड बाई किंग्स इन एशियट इंडिया टू स्टैब्लिश देयर पोजिशन इनमें से कौन से टाइप की एक सेक्रीफाइस नहीं होती थी तो वाजपेया राजसुईया अशोमेघ या फिर मोविंदा वेलन तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक साउथ इंडिया का नेम है है ना तो ये आपका यहाँ से हट जाएगा बिकॉज मोविंदा वेलम हम पढ़ेंगे जब चोला एम्पायर ना पढ़ेंगे ना संगम एज में तो मोविंदा वेलम हम लोग पढ़ेंगे तो ये नहीं था एक तरह का सेक्रीफाइस अंडर मॉरन एडमिनिस्ट्रेशन द सीता अध्यक्ष वॉज द ऑफिसर ऑफ तो हमने पढ़ा था किस तरह से अध्यक्ष तो मतलब जो इंचार्ज uh, है किसी चीज़ का सीता जी को हमने एग्रीकल्चर से रिलेट किया था याद आ रहा है आपको है ना संहारता कलेक्ट कर रहा था रेवेन्यू को सनी दाता चीफ ट्रेजरी ऑफिसर था गोपा अकाउंटेंट था अक्षय पाटल अकाउंटेंट जनरल था नगर का सिटी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा था यानी कि उसको हम डीएम से कंपेयर कर, कर कर, सकते हैं प्रेजेंटे डीएम से ठीक है संस्था अध्यक्ष क्या करता था चलो बताओ देखते हैं कितना आप लोगों को याद है ठीक है कोशिश किया करो यहीं पे सारी चीज़ें याद हो जाएं संस्था अध्यक्ष संस्था देख रहा है बताओ तो आंसर क्या होगा सीता है ना तो एग्रीकल्चर संस्था देख रहा है मतलब मार्केट का इंचार्ज है ना नव नवा मार्केट ठीक है नव अध्यक्ष शिप को देखेगा वो शुल्क अध्यक्ष टोल टैक्स को देखेगा वो है ना

द नेशनल एम्बलेम ऑफ इंडिया इस टेकन फ्रॉम द मॉडर्न पिलर लोकेटेड एट तो जो नेशनल एम्बलेम है जो अभी मैंने आपको बताया था वो कहाँ से लिया हम लोगों ने अभी मैंने आपको बताया था वो सारनाथ का पिलर है जिसका हमने वो लिया है इन्वर्टेड लोटस उसमें बैकस और उसमें हमने देखा तो चार शेर हैं और यहाँ पे चार एनिमल्स हैं वो हमने देखा था सारनाथ और ये जो पिलर एडिक्ट है ये किस चीज़ को दिखा रहा है जो गौतम बुद्ध है उनके पहले सरमन को जो कि जिसको कि व्हील्स रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको कि हम क्या बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन है ना धम्म चक्र प्रवर्तन प्रवर्तन ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छा आ, इनके निर्वाण बोलते हैं इनके एनलाइटेनमेंट को और जो इनकी डेथ हुई थी इसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं और जिन्होंने ग्रह त्याग किया था उसको क्या बोलते हैं जरा कॉमेंट बताइए ट्वेंटी नाइन्थ हु प्रिय कौन थे देवनाम प्रिय देवों के प्रिय बिलॉव टू गॉड अशोक ठीक है अशोक सेंटर मिशन और कहाँ कहाँ पे अशोक अशोक नाम ना मिशन है हमने देखा था चार वालों में दो क्या हमें पक्का पता होने चाहिए एक तो मस्की और गुज्जर अशोक सेंटर मिशन टू स्प्रेड दी प्रिंसिपल ऑफ धम्मा लेड बाय हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संगमित्रा टू कहाँ भेजा था तो अभी हमने देखा श्रीलंका इसका पुराना नाम सिलॉन है ऑप्शन नंबर डी

वो मतलब पहले सीजल दो हो सकता है मैंने देखा नहीं बट ये सीजल दो हजार तेईस के एकदम लेटेस्ट एग्जाम के भी है क्वेश्चन यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग दॉरेन रूलर कॉन्कर्ट कलिंगा देख रहे हो कितने अब आसान आसान से क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ओवर थ्रू नंदा डायनेस्टी ऑफ मगध विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से खत्म जिनको कि हम चाणक्य के, के नाम से भी जानते हैं जिनको कि हम कॉटल लेके के नाम से भी जानते हैं ठीक है जो फेमस है किसके लिए विश करने के लिए थर्टी सिक्स ग्रीक एंबेसडर मेगस्थनीस टू दी कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त क्या बार बार वही क्वेश्चन है तो हमें जो सारनाथ में मिला उसको हम लैंड कैपिटल बोलते हैं बिकॉज कैपिटल का मतलब जो ऊपर एनिमल है और वहां पर हमें चार चार मिले हैं ठीक हुई मॉडर्न रूलर एंड वॉज किल्ड इस कमांडर इन चीफ जो कि कोई और नहीं था वो कौन था उसका नाम बताइए जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है तो ये लास्ट मॉडर्नर कौन था बृहद जिसको कि किसने मारा था पुष्य मित्र सुंग ने है ना पुष्य मित्र सुंग अब दो क्वेश्चन और करेंगे मैक्सिमम अगर होंगे तो नहीं तो नहीं चलो है भी एक विच ओ द फॉलोइंग वॉज अ सिलोनीज क्रॉनिकल दट एक्टेड एज एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स टू द मॉरन एम्पायर कौन सा इंपॉर्टेंट सिलोनीज क्रॉनिकल है मतलब कि श्रीलंका का क्रॉनिकल है श्रीलंका का एक लिटरेरी सोर्स है श्रीलंका का जो इतिहास है वहाँ से हमें मॉर्न एम्पायर के बारे में पता चलता है तो याद करिए जो मैंने आपको सोर्सेज बताए थे क्या क्या सोर्सेज बताए थे एक तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र मेगस्थनीस की इंडिका विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस जिसमें कि अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं और बुद्धिस्ट लिटरेचर मैंने एक तो जातक स्टोरीज बताई थी जो कि जातक टेल्स प्रीवियस जो हमारे प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्ध है उनके बारे में बताती हैं वो टेल्स हमें है ना जो स्टोरीज हैं दीप वंश महावंश और दिव्य दान तो दीप वंश महावंश में महावंश ऑप्शन नंबर बी ठीक और यहाँ पे होता है हमारा लेक्चर खत्म क्वेश्चन भी हो गए हमारे खत्म ठीक क्या चीज़ें आपको आ गई समझ जल्दी से बताइए सारी चीज़ें सबका सही अविष्ट लेनोवो टैब ए टू जेड मैथ्स प्रियांशु रावत रिया नाम पढ़ने में बड़ा मजा आता है, है काफी लोगों के एकदम प्रशियस वैल्यूज सिद्धांत बौद्ध क्यूट अंबर फनी मी अड्डा ओके डी एन ए चैनल ब्रैकेट में नितेश ताकि पता चल जाए देख रहे हो कल को मान लो अगर खुदाई उदाई हुई तो ओके डी एन ए चैनल लेके चलेंगे तो पता पता कैसे चलेगा नितेश का चैनल था तो ब्रैकेट है नितेश इसीलिए अच्छी बात है हंग्री बर्ड्स देखो एंग्री बर्ड तो सुना था हंग्री बर्ड्स हैंडसम डेविल और ब्रैकेट है प्राइम असली वाले आ, एफ फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम क्या बात है एफ फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम डैश एम के आर महाम से न्यू क्वेश्चन नहीं है, है? न्यू क्वेश्चन तो हाँ मतलब वैसे न्यू क्वेश्चन लेकिन ये सोर्सेज मैंने आपको लिखवाया ना मोए मोए हाँ मोई मोए हा, हमें भी पता चल गया है मोई मोए है क्या ठीक है तुमसे तो मोई मोई करने की जरूरत है नहीं यार अब अकॉर्डिंग टू तो टेक्स बुक सर पाली द पाली टैक्स नहीं था पाली लैंग्वेज थी ठीक है पाली कोई टैक्स नहीं था बाली टैक्स होता था वहां हो सकता है आपको देखने में गलती हुई बाली टैक्स हो, होता था ठीक है न कि पाली आज समझकन्या से दूर रहना है <laughs> अच्छा शिवानी गौतम सर सी आर पी सी में हेल्प कर दीजिए सी आर पी सी और आई पी सी आई इस थिंक आप यू पी एस आई के लिए बोल रहे हो गए न तो जिन लोगों को नहीं पता है तो ये हम लोग की बैच की क्लासेज हैं है ना परमार अकेडमी ऐप परमार अकेडमी ऐप पे जाएंगे कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे एस एस सी जी के टू पॉइंट ओ करके आपको बैच दिख जाएगा वहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होती है और इसके आपको हैंड रिटेड नोट्स मिलते हैं और क्विज़ होती है और अच्छा बताइए वाली क्विज़ किस किसने दी थी और क्या स्कोर रहा था ठीक है और जिसको शेयर करना है आपस में कर ले कर जैसे आकाश जी पूछ रहे हैं तो अगर किसी को कुछ करना है तो वो कर सकता है ना काजू जी धन्यवाद सर अपना नेम क्या है अपना नेम <laughs> पॉलिटी पढ़ा <आगा> इसका <coughs> अच्छा सर लैपटॉप पे क्लास नहीं चलती है पे चलती है लैपटॉप पे चलती है डब्लू डब्लू डॉट परमार अकेडमी डॉट इन ये हमारी है ऑफिशियल वेबसाइट इसमें जाएं और हमारे लेक्चर्स का लुफ्त उठाएं चालीस आए अच्छा आई या आर वन अजहर अंसारी पचास में सोके तीस आए हैं चालीस चालीस रेनबो लिख रहे हैं ईलू 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 अच्छा चौदह लाइन नहीं एडिक्ट थे, नहीं बेटा अविनाश चौदह एडिक्ट चौदह बिल्कुल चौदह एडिक्ट ही थे वो लेकिन वो एडिक्ट का मतलब वो लाइन है ठीक है आप शायद अगर वो पत्थर अभी भी समझ रहे हैं तो अभी भी आप गलत ही हैं वो चौदह लाइन की बात हो रही है ठीक है हाँ वो एडिक्ट बिल्कुल बात है एडिक्ट है लेकिन एडिट का क्या बताया वो लाइन्स ठीक है चौदह अगर आप ये समझ रहे हैं कि चौदह पत्थर थे तो आप गलत समझ रहे हैं जिस तरह की पिलर एडिक्ट मतलब ये नहीं कि सात खंभे में मिले सेवन लाइंस थे उनमें से थर्टी एट आयशा शर्मा के लुफ्त नहीं लुत्फ होता है जिशान जीशान अख्तर नहीं होता होगा फिर जिशान अख्तर होता होगा अख्तर सर ऐप पर नोटिफिकेशन नहीं आती शेड्यूल पता चलता किस चीज़ की नोटिफिकेशन भाई राजपूताना सरकार प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था टेस्ट होने से पहले टेस्ट के आंसर कैसे देखें वहाँ पे जब आप सबमिट करते हो तो ऊपर आता है आंसर्ड अन आंसर्ड इस तरह से रॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से आता है ऑप्शन में ठीक है चलिए भाई थैंक यू